हाँ जी, गुड इवनिंग। अनंत गुड इवनिंग, पीयूष गुड इवनिंग, मैत्रा हाय। हाँ जी, गुड इवनिंग। अनंत गुड इवनिंग, अभिषेक हाय। गुड इवनिंग जैनिल, गुड इवनिंग मैत्रा हाय। जैनिल गुड इवनिंग, हुसैन हाय, हिनिका गुड इवनिंग, तनिश गुड इवनिंग सर, नमस्ते। मैत्रा मैं बढ़िया थैंक यू। अंजलि गुड इवनिंग, अब्दूत हेलो, रिया हेलो, निकिता गुड इवनिंग, रिदम सिंह राजपूत स्वागत नहीं करोगे हमारा? बिल्कुल करेंगे सर। ममता गुड इवनिंग, लिटिल डांसर करके कोई है? हेलो सर। भैरवी शाह हाय। निखिल का मैसेज है सर, मैंने अभी नवंबर से सीए फाउंडेशन पढ़ना शुरू किया है, मेरा क्लियर हो पाएगा सर? बहुत डर लग रहा है। निखिल आराम से हो जाएगा, बस अब जितना टाइम बचा हुआ है आपके पास उतना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? आकाश गुड इवनिंग, अक्षत हेलो, नेहा गुड इवनिंग, डॉक्टर स्ट्रेंजर हेलो सर, श्रेया गुड इवनिंग, अवधूत गुड वाली इवनिंग सर जी, सेम टू यू, रितिका हाय, गोविंद गुड इवनिंग। आगे सब तो हम स्टार्ट करें डिस्कशन और हमारा बीसीके का जो भी प्लान करा हुआ है अपन ने बहुत अच्छे से रिवाइज करने का और सब कुछ याद करने का। अंजलि गुड इवनिंग, कुछ 55-60 लोग मुझे अभी ऑनलाइन दिख रहे हैं फिलहाल। आई थिंक मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूँगा ज़्यादा, 60 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे। जो लोग आ गए हैं प्लीज़ जल्दी से एक बार लाइक कर दो तो हम लेक्चर स्टार्ट करें। बेशर्मों आ गए हो तो लाइक कर दो तो हम फटाक से स्टार्ट करें। भव्य हाँ जी सर स्टार्ट कर दो। रितिका सर कैसी रही दिवाली? दिवाली वॉज वेरी गुड, फटाके नहीं फोड़े मैंने एज यूजुअल। विशाल थैंक यू, प्रतीक्षा गुड इवनिंग, रिया लेट्स गो, आरजे जोन करके कोई है? गुड इवनिंग सर। हाँ सर, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो सब्जेक्ट का आपके सामने ओपन है ऑलरेडी, आपको ऑलरेडी पता है लेक्चर किसका है। लेक्चर इज फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीके। जनरली इस सब्जेक्ट को बहुत लाइट लेते हैं बच्चे, ऐसा लगता है कि सर ये तो हो जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा आपके 20-25 मार्क्स आ जाएंगे आराम से आउट ऑफ 40, 20-25 के बीच में आ जाते हैं आउट ऑफ 40 अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा थोड़ा ढंग से दिमाग लगा के सॉल्व करा तो इतना आ जाते हैं। बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट सफिशियंट। आप बी सी के इको में पास तो हो जाओगे, 55-60-65 ले आओगे, बट दैट इज़ नॉट इनफ। द रीज़न इज़ अगर आपके मैथ्स में कम मार्क्स हैं तो आपका थोड़ा सा एग्रीगेट जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है। इफ़ यू वॉन्ट योर एग्रीगेट नॉट टू बी द प्रॉब्लम तो आपको इको बी सी के में चाहिए आराम से 70-75-80 मार्क्स और आराम से आता है। इको इज 60, बी सी के इज 40। तो आपको अगर नहीं चाहिए कि मेरा एग्रीगेट सब सब्जेक्ट में पास हो गया पर एग्रीगेट में प्रॉब्लम ना हो, इफ़ यू वॉन्ट दैट देन दिस इज दी ओनली सब्जेक्ट आउट ऑफ 4 दैट वी हैव इन द सिलेबस जिसमें आप 80 तक आराम से स्कोर कर सकते हो। अकाउंट्स में भी कर सकते हैं पर थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। मैथ्स में तो मैं बोल ही नहीं रहा, लॉ बी सी आर में मुश्किल लगता है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा टफ हो जाता है, बट दिस इज समथिंग एमसीक्यू जिसमें आप आराम से 70-75-80 आराम से स्कोर कर सकते हो। और अगर वो आपका एश्योरेंस आ जाता है 70-80 के रेंज वाला इस बी सी के इको के पेपर में आए तो आपको कभी भी एग्रीगेट वाला इशू नहीं आएगा। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दैट आई नो जो सारे सब्जेक्ट में पास हो गए बट एग्रीगेट नहीं हुआ, 190-195-198 तक मैंने बच्चों को देखा हुआ है। सो हमको उस कैटेगरी में नहीं आना, तो आपको एक सेकंड भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार ये तो ईजी है ये तो हो जाएगा, नहीं होगा। होगा फिर भी नहीं होगा, रीजन आपको मैंने बताया, ठीक है? बिकॉज वी वॉन्ट टू स्कोर 70-80 एंड नॉट 50-60 इन दिस इको बी सी के सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू माई सब्जेक्ट बी सी के, आई थिंक इको के लेक्चर आई थिंक आपके ऑलरेडी सर हो चुके हैं शायद। कमिंग टू माई सब्जेक्ट बी सी के, दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको अक्रॉस इंडिया बोल रहा हूँ कोई नहीं करवाएगा, और अगर करवाएगा तो आपको याद नहीं करवाएगा, विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6। अगर आपने गलती से भी चैप्टर 3 और चैप्टर 6 की बुक खोली है बी सी के अंदर तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि सर इसको याद कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज़ लेट मी नो क्या मैं सही बोल रहा हूँ। कब का कर दिया सर? हेलो माही जोशी हेलो। रिदम सर आपके लेक्चर सारे हैं बट लाइव फर्स्ट टाइम है। ओके रिदम ने सारे लेक्चर देखे पर लाइव फर्स्ट टाइम देखा है, थैंक यू। अवधूत ये सर लाइक कर दिया, बेशरम। हसमत अभिषेक कैसी
कैसी गई आपकी दिवाली भैया? अभिषेक सर, बहुत अच्छी थी दिवाली हमारी, हमने क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं फोड़े, इट वॉज क्रैकरलेस दिवाली फॉर मी पॉल्यूशन। हाँ, वो शगुन का थोड़ा सा कर दिया, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। सर इक्वन बीसी के कमेंट 90+ आते हैं सर, रिया आराम से आते हैं, मतलब मैंने लास्ट टाइम 85 तो देखा था। सर जी टेंशन हो रहा है एग्जाम के लिए, भाई बिल्कुल टेंशन मत ले, लेक्चर देख स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मैं सारा टेंशन भगा दूंगा। सर मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है, तनिश चिल हो जाएगा। सबका मैसेज आ गया, यस सर, अराउंड 20-25 अंक का आ गया सर। हाउ टू स्कोर 40+ इन ईको? अनंत, 40+ इन ईको तो आपके ईको के सर बताएंगे, मैं आपको बीसीके के अंदर 30+ का आराम से गारंटी दे सकता हूँ, 30+ आराम से। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, स्पेशली लाइव लेक्चर देखा है, मैं 30+ का आपको गारंटी दे सकता हूँ। 35 मैं बोल सकता हूँ, बट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड मैं 30 बोल रहा हूँ आउट ऑफ 40, तो 40 में से 30 तो पहले पक्का कर ले अनंत, ठीक है। 90 लोग ऑनलाइन है, 90, मैं अराउंड 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। 6 मैंने लिया, 6 मैंने किया, लेकिन थर्ड तो सर फर्स्ट 3 किया। हाँ जैन लेते, इज़ वेरी डिफिकल्ट सर। बीसी के ईजी होगा क्या? मतलब वो 40 मार्क्स के ईजी होता है ना, मार्क्स आ सकते हैं। हाँ स्पीड करके हुई है, आराम से 30-35 आ सकते हैं सर, आप बस ऑनलाइन लेक्चर देखते रहिए, आ जाएंगे। हाँ रिया, 35+ कैन ईजिली कम। हाँ नहीं मिल, 35 ईजिली आ सकते हैं। चलो बातें स्टार्ट करते हैं विथ 90 पीपल ऑनलाइन, लाइक एंड सी विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, हम डायरेक्टली स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 से। जिसको चैप्टर नंबर 3 एक बार आपने पढ़ा होगा, कोई भी क्लासेस आपने पढ़ा होगा, आपको नहीं पढ़ाया होगा अच्छे से, आई थिंक इतना सबको पता है कि सर चैप्टर 3 के अंदर बेसिकली है क्या। मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इनकेस आप पहली बार बुक खोल रहे हो तो। वी बेसिकली हैव सो मेनी कंपनीज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंडियन कंपनीज है अराउंड 24-25, इंडियन कंपनीज है अराउंड 9-10, ग्लोबल कंपनीज है अराउंड 35 कंपनीज अपने पास, और इन 35 कंपनीज का बहुत सारा डेटा है। डेटा इन द सेंस सर, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है सर, MD, चेयरमैन, CEO, CFO के नाम क्या है सर, इन कंपनी का कोई स्लोगन है क्या सर, इन कंपनी किस प्रोडक्ट्स में डील करती है, कौन सी सर्विसेज में डील करती है, ये सारा डेटा। देन इनका ग्लोबल रैंक क्या है, फॉर्च्यून 500 में, फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के अंदर, इतना सारा डेटा है इस चैप्टर के अंदर कि सर नहीं याद हो पाता, ठीक है। आपने जो भी क्लास से पढ़ा हो, एक्स वाई और जेड, आपको नहीं पढ़ाया होगा, और अगर पढ़ाया होगा तो आपको याद नहीं करवाया होगा, हम आपको यहाँ पे याद करवाएंगे आज इस लेक्चर के अंदर, मेरी गारंटी। आपको सिर्फ बने रहना है मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। सर मेरे तो कॉलेज के एग्जाम है 27 नवंबर से। प्राची, कॉलेज एग्जाम में सिर्फ पास हो जाना, इतना पढ़ लो ना, अवधूत कोई विकेट नहीं लेगा अपना, मैथ्स वैथ्स कोई विकेट नहीं लेगा, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आराम से हो जाएगा। सर अभी से सिलेबस पूरा करना पॉसिबल है क्या? हाँ मैत्रा, आराम से हो सकता है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर आपको ऑलरेडी बता दिया चैप्टर के लेआउट के बारे में कि अपने पास कितना सारा डेटा है, ठीक है। मैं वापस डिपेंड करवाता हूँ, अराउंड 35 कंपनीज है, 35 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स, 35 कंपनीज के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 35 कंपनीज का MD, चेयरमैन, CEO, CFO का नाम, 35 कंपनीज का रैंकिंग, ठीक है, फॉर्च्यून 500 में, फोर्ब्स की लिस्ट में, उनका स्लोगन 35 कंपनीज का, जिनका भी दिया हुआ है बुक में, सिलेबस में, वो कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो कौन सी सर्विस में डील करते हैं, तो बहुत कुछ है पढ़ने को और याद होता नहीं है, तो मैं आपको याद करा के बताएंगे आज का। आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं राइट नाउ, ठीक है। बातें बातें बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, एकदम फोकस करके पढ़ाई करेंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर में 3 करवा सकता हूँ 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है, पूरा चैप्टर 3, और ऐसा करवाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, पूरा चैप्टर नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके, ठीक है। मैं कुछ लिखूंगा आपके सामने, आपको लिखना नहीं अभी, आपको सिर्फ सुनना है, मैं आपको लिखने का टाइम पूरा पूरा दूंगा, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है फिलहाल, आपको सिर्फ सुनना है, सुन के याद हो जाता है, लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सर हम 91 लोग देख रहे हैं, सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम फटाक से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज के हेडक्वार्टर से, जिसका मैं आपको झलक तो दे चुका था BCR के लेक्चर में, अभी वापस से करवा रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। सुना ध्यान से, मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, वापस बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है, लिखने में अपना फोकस मत गवाना, लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है, सुनना, मैं कुछ लिख रहा हूँ। भारत एंड एशिया के बैंक्स को लूटा, कॉमा रिलायंस एंड टाटा बोले
सिप्ला, ठीक है। कुछ तो मैंने अजीब सा लिखा, कुछ तो मैंने अजीब सा लिखा, समझ में कुछ आया नहीं, बस सुनते रहिए, ठीक है। कुछ तो मैंने अजीब सा लिखा, सर क्या लिखा है वापस से पढ़ के बता सकते हैं? हमने लिखा, सर भारत एंड ईशा के बैंक्स को लूटा, रिलायंस एंड टाटा बोले सिप्ला। सर क्या बोलना चाहते हैं आप? हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि सर भारत का मतलब है भारत पेट्रोलियम, एशिया का मतलब है एशियन पेंट्स, सिलेबस में चार बैंक है अपने, विच इज SBI, एक्सिस, HDFC एंड ICICI, ठीक है, चार ही बैंक है। देन लूटा इज LNT, रिलायंस, टाटा, सिप्ला। काउंट करो कितनी कंपनीज हुई सर, काउंट करो, मुझे बताओ कितनी कंपनीज हुई? 10 कंपनीज हुई, 10 कंपनीज, ठीक है। भारत पेट्रोलियम, एशियन पेंट्स, बाद में ये चार बैंक, 6, LNT 7, Reliance 8, Tata 9 और Cipla 10, अराउंड 10 कंपनीज हुई। सर कौन सी 10 कंपनीज, आप क्या बोलना चाहते हो? हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि सर ये वो 10 कंपनीज है जिनका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, जिनका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। मतलब सर आपने हमको क्या 30 सेकेंड्स के अंदर 10 कंपनियों के हेडक्वार्टर याद करवा दिए? मैं बोलूंगा हाँ सर याद करवा दिए। आई कैन प्राउडली से कि मैंने आपको 30 सेकेंड्स के अंदर याद करवा दिया मुंबई के अंदर कौन सी 10 कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। आई रिपीट फॉर यू, भारत एंड एशिया के बैंक्स को लूटा, रिलायंस एंड टाटा बोले सिप्ला। भारत का मतलब भारत पेट्रोलियम, एशिया का मतलब एशियन पेंट्स, बैंक सिलेबस में चार ही हैं, SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI, लूटा इज LNT, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, टाटा, सिप्ला। 10 कंपनीज और 10 की 10 कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। हो गया याद? हो गया याद? सिर्फ इतना ध्यान रखना है, भारत ने एशिया के बैंक को लूटा, रिलायंस टाटा बोले सिप्ला। 10 कंपनी के हेडक्वार्टर 30 सेकंड में खत्म करे और ऐसे याद करवाया कि आप कभी नहीं बोलोगे। आर वी हैप्पी? आर वी कूल? प्लीज गिव मी अ थम्स अप, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। और बेशर्मो लाइक कर देना वीडियो को, जो पूरा इंडिया नहीं करवा रहा आपको याद, मैं आपको याद करवा रहा हूं आधे मिनट के अंदर। आर वी क्लियर? गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज लाइक द वीडियो वेरी फास्ट। मैं वेट कर रहा हूं, अभी तक मुझे कुछ 43 लाइक्स ही दिखे हैं, 100 लोग देख रहे हैं और लाइक से 43 है। 10 कंपनी के हेडक्वार्टर हो गए, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, मैं वेट कर रहा हूं। ममता, यस सर, राशि का थम्स अप आ चुका है, हुसैन शेख का थम्स अप आ गया, अवधूत का थम्स अप आ गया, हिनिका का आ गया, पीयूष का आ गया, आशी का यस सर आ गया। बेशर्मा वीडियो लाइक करो, 44 लाइक्स हैं, जेनरल में करूंगा वो सब, रिलैक्स। गोविंद का आ गया, मधुरा का आ गया, ममता का आ गया, ओम का आ गया, रेनू का आ गया, माधवी का आ गया, राशि का आ गया। ओके, अराउंड 15 मैसेज है मेरे पास अब तक। माधवी, ममता, राशि, ओके, प्राची, सर सब लाइक कर दो। ओके, रेनू बोल रही सब लाइक कर दो, रेनू देख सब कितने कंजूस हैं। अंजलि, जैनिल, तनिष और महक का थम्स अप आ गया, ठीक है। अनंत, कृष का मैसेज आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनना, यहां से आगे बोलता हूँ, 30 सेकेंड्स लगे मुझे आपको मुंबई के अंदर 10 कंपनी के हेडक्वार्टर याद करवाने में, 15 सेकेंड में और लूंगा आपको अगली 4 कंपनी का हेडक्वार्टर याद करवाने में। आपको याद करना है तो मैं एक इजी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। मतलब आंसर बहुत ऑब्वियस है, बहुत इजी आंसर है, बट आपको एक बार टाइप करना पड़ेगा। आप टाइप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सुना मेरे ध्यान से, सर इंडिया का कैपिटल क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जगह का नाम बताओ, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। टाइप करना पड़ेगा, टाइप करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। वेटिंग फॉर योर मैसेज, जल्दी से मुझे बताइए। मैं यूट्यूब चालू रखता हूँ मेरे सामने। ओके, मेरे पास मैसेज है जैनिल का, दिल्ली, तनिष का दिल्ली, ओके, हुसैन दिल्ली, रितिका दिल्ली, अनंत, अमर, लौकिक, ओके, काफ़ी सारे मैसेज हैं जो मुझे बोल रहे हैं दिल्ली करके। वेटिंग फॉर मोर मैसेजेस। ओके, अराउंड 30-35 लोगों का मैसेज आया दिल्ली करके, वेरी गुड। देख मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ठीक है, आपने जो बोला मैं वही लिखूंगा यहाँ पे। आई रोट डाउन यहाँ पे,
दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली ठीक है, लिखा हमने। अब दिल्ली ये सोच रहा है कि यार इंडिया का कैपिटल मैं हूँ और ये जितनी भी कंपनीज है ये अपना हेडक्वार्टर खोल के बैठी हुई है मुंबई के अंदर। तो दिल्ली को थोड़ा सा जेलिसी फील हो रहा था, उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा, उसका ईगो हर्ट हो गया। तो दिल्ली क्या करता है, मुंबई को फ़ोन करता है और दिल्ली मुंबई को फ़ोन करके बोलता है कि ब्रो देख, अगर तेरे पास भारत पेट्रोलियम है, अगर तेरे पास भारत पेट्रोलियम है तो मेरे पास भी उसके जैसा का जैसा इंडियन ऑयल है। वापस दिल्ली को, दिल्ली का ईगो हर्ट हो गया बिकॉज दिल्ली को ऐसा लगा कि इंडिया का कैपिटल मैं हूँ और सारी कंपनीज अपना हेडक्वार्टर खोल के बैठी है मुंबई के अंदर। तो दिल्ली मुंबई को फ़ोन करता है और दिल्ली मुंबई को फ़ोन करके बोलता है कि भाई देख, तेरे पास अगर भारत पेट्रोलियम है तो मेरे पास भी इंडियन ऑयल है। फिर उसको बोलता है तेरे पास अगर रिलायंस जियो है तो मेरे पास भी एयरटेल है। ठीक है, तो ये दिल्ली को, दिल्ली फ़ोन करके बोल रहा है मुंबई को कि तू ज़्यादा हवा में उछल मत मुंबई, मेरे पास भी कंपनीज है अच्छी अच्छी अब ऐसा इंडियन ऑयल और एयरटेल बताकर दिल्ली का थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। एंड नाउ दिल्ली कैन गो टू स्लीप पीसफुली। अब आप मुझे मैसेज करके बताओगे, ठीक है, सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन जब सोने जाते हैं तो अपन सोने से पहले क्या बोलते हैं? वो जानू सोना नहीं पूछ रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल लोग सोने से पहले क्या बोलते हैं? कैन यू प्लीज मैसेज मी, मैं वेट कर रहा हूँ। अपन सोने जाते हैं उसके जस्ट पहले अपन क्या बोलते हैं? दैट इज वॉट माई क्वेश्चन इज। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए, क्या है मैसेज फ्रॉम अनंत, गुंचा, जैनिल, गोविंद, रितिका, एबीसीडी, संजना, अंजलि, अमर, लौकिक, तनिष, हिनिका, ममता, आशी, बापू गेमिंग, ओम पाटिल, ध्रुव, ध्रुवी, रुषि, श्रेया, अवधूत, ऋषभ, माधवी, माही, मधुरा, नितेश, पीयूष, आरजे, मैत्री, अवधूत, प्राची, सो मेनी मैसेजेस। सबने आंसर राइट दिया, गुड नाइट सर जी और एन, गुड नाइट बोलते हैं अपन। सर क्या बोलना चाहते हो? सर जी से वी हैव अ कंपनी गेल एंड एन से वी हैव अ कंपनी NTPC। फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहे अभी, अभी तो हम याद कर रहे हैं फटाक से, एक सेकंड के अंदर याद कर रहे हैं कि सर दिल्ली का ईगो हर्ट हुआ बिकॉज सारी कंपनी अपना हेडक्वार्टर मुंबई में खोल के बैठी थी। तो क्योंकि दिल्ली का ईगो हर्ट हुआ, दिल्ली ने मुंबई को फ़ोन करके बोला कि ब्रो तेरे पास अगर भारत पेट्रोलियम है तो मेरे पास भी इंडियन ऑयल है, तेरे पास अगर रिलायंस जियो है तो मेरे पास भी एयरटेल है। ऐसा बोल के दिल्ली अब आराम से सो सकता है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया काफ़ी। और सोने से पहले बोलते हैं गुड नाइट, GN, जी से गेल, एन से NTPC। तो 10 कंपनी आपको मैंने मुंबई में करवा दी और 4 कंपनी आपको मैंने दिल्ली में करवा दी। आउट ऑफ 24-25 कंपनीज ऑफ इंडिया, हमारी 14 कंपनी तो हो भी गई हेडक्वार्टर्स रिस्पेक्टिवली मुंबई एंड दिल्ली। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। रिदम सिंह बोलता है डिपेंड किसे बोल रहे हैं? रिदम भाई गर्लफ्रेंड को नहीं बोल रहे, बस दोस्त को बोल रहे हैं, दोस्त को गुड नाइट बोलते हैं। आर बी क्लियर विथ हेडक्वार्टर्स ऑफ 14 कंपनीज, मुंबई की 10 और दिल्ली की 4? इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप, मैं वेट कर रहा हूं। इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जल्दी जल्दी मैसेज करना जिससे आपका फोकस बना रहे, अपन को ऐसा नहीं लगे कि सर अपना ऑनलाइन लेक्चर है, फेस टू फेस लेक्चर लगेगा आपको, अपन इंटरेक्ट करते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे। ठीक है, गिव मी थम्स अप वेरी क्विकली। 14 कंपनी के हेडक्वार्टर्स इन लेस देन 5 मिनट्स वी हैव कवर्ड। ओके, लॉट्स ऑफ थम्स अप ऑलरेडी। हाँ रिया ठीक है, ओके, अराउंड 30-35-40 मैसेज आ गए मेरे पास, तुम आगे बढ़ रहे हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करें। सर आप नेक्स्ट क्या करवा रहे हो? हम आपको नेक्स्ट करवा रहे हैं कोलकाता, हम आपको नेक्स्ट करवा रहे हैं कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता सिटी के अंदर एक कंपनी का नाम छुपा हुआ है। सर कौन सी कंपनी का नाम छुपा हुआ है? कोलकाता कोल इंडिया, कोलकाता कोल इंडिया। हो गया यार, कितना इजी है।
कोलकाता, कोल इंडिया। तो सर एक कंपनी का नाम तो शहर के हेडक्वार्टर जो है उसका बेसिकली कोल इंडिया का कोलकाता नाम में ही छुपा हुआ है, कोलकाता कोल इंडिया। कितना आसान है सर, लाइफ में कुछ तूफानी करना है तो लेट्स से वी हैव अ गाय, उसको लाइफ में कुछ तूफानी करना है तो वो क्या करता है पता है, सिगरेट पीता है सिगरेट, और अपनी जो सिगरेट है उसको लाइटर माचिस से नहीं जलाता, वो उसको जलाता है कोल से, सिगरेट जला रहा है विद द हेल्प ऑफ बर्निंग कोल। सर वैसे सिगरेट की बातें क्यों कर रहे हो, हम सिगरेट की बातें कर रहे हैं बिकॉज द नेक्स्ट कंपनी दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता इज ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। स्मोकिंग सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है मैं सर डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको, ठीक है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमने आपको ऐसा बोला कि सर कोलकाता कोल इंडिया और कोल से सिगरेट जला रहे हैं, एंड सिगरेट की कंपनी वी हैव इन द सिलेबस इज ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है गोल्ड फ्लेक बनाते हैं गोल्ड फ्लेक। तो हम यहाँ से एक आपको एरो लेके बताते हैं एक और कंपनी का नाम विच इज ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। दो कंपनीज और हो गई सर, 10 + 4 + 2, 16 कंपनीज खत्म कर दी हमने और हमको 10 मिनट भी स्टार्ट करे नहीं हुए सर, नॉट इवन 10 मिनट्स, एंड मैंने आपको 16 कंपनी ऐसी याद करवाई है जो आप कभी नहीं भूलोगे। आर वी क्लियर, आर वी हैप्पी, प्लीज गिव मी अ थम्स अप जल्दी जल्दी जल्दी। मैं यार आधे घंटे में तो आपको, आधे या 20 मिनट में तो आपको सारी इंडियन के हेडक्वार्टर्स भी करवा दूंगा ये, और ऐसा याद करवाऊंगा आप कभी भूलोगे भी नहीं। समझ में आ गया, तो गिव मी अ थम्स अप जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आर वी क्लियर, मैसेज पढ़ रहा हूँ आपके जल्दी से। कोलकाता से कोल और कोल जाता है, हाँ जेनिल वही वही मैंने बोला, स्पीड जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। नितेश ITC को बैन क्यों नहीं किया इंडिया ने, नितेश इंडिया के अंदर सिगरेट बैन नहीं है इसलिए। ओके आई एम गेटिंग थम्स अप। अनंत, ABCD, नेहा, हुसैन, गोविंद, माही, हिनिका, अवधूत, ममता, महक, RJ जोन, विशाल, राशि, आदित्य, अमृता, गीता, अंजलि, वेरी हैप्पी सर, पीयूष, रूशी, ऋतिका, ओके लॉट्स ऑफ देम, 103 लोग ऑनलाइन है। आकाश, सैयद, 103 लोग ऑनलाइन है और 66 लाइक्स हैं। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो 103 लोग देख रहे हैं, याद कर रहे हैं सब कुछ जो इंडिया में किसी ने याद नहीं करवाया, और 66 लाइक्स हैं। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। आगे सर नेक्स्ट, आप कौन सी कंपनी करवा रहे हो, क्वेश्चन पूछूंगा मैं तो आपको, आपको मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन सुनना, द क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन, ठीक है सारे क्वेश्चन इजी होंगे, आपको सिर्फ टाइप करना है सो दैट यू नो यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम एटलीस्ट टिल द एग्जाम्स। आप मुझे बताओ इंडिया के अंदर किसको ऐसा बोलते हैं अपन कि वो IT हब है, IT हब, कैन यू टेल मी IT हब ऑफ इंडिया। मैसेज करना है आपको जल्दी से मुझे, IT हब ऑफ इंडिया जहाँ पे सारी IT कंपनीज पाई जाती है इंडिया के अंदर, कैन यू टेल मी विच सिटी इट इज। मैं वेट कर रहा हूँ, टाइप करेंगे जिससे याद होगा, ठीक है टाइप करना है, नहीं तो मैं सब 10 मिनट में करवा सकता हूँ, बट मैं टाइम ले रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको याद करवाना है, दैट इज माई पर्पज, दैट इज माई एम, माई गोल। विजय अय्यर का मैसेज है, राइट मैसेज, बेंगलुरु। गेमर का मैसेज है, बेंगलोर, रिया बेंगलोर, राशि बेंगलोर, स्पीड बेंगलोर, आकाश जैनल, आकाश नंबर टू, रूशी, रितिका, किरण, मैत्रा, विशाल, ABCD, श्रेया, किरण, तनीश, ओम, RJ, स्पीड, अंजलि, अनंत, जैनल, हिनिका, लौकिक, ममता, अवधूत, फिरदोश, नकुल, निखिल, अमर, रेनू, नेहा, सो मेनी ऑफ देम, और सबका आंसर राइट, आशी, मधुरा, ओके नाइस, विच इज़ बेंगलोर, एवरी वन न्यू दी आंसर, मैं फिर भी आपको लिखवा रहा हूँ जिससे अपन को याद हो, ठीक है बेंगलोर। क्वेश्चन था IT हब। अब IT के अपने सिलेबस के अंदर मोटा मोटी दो कंपनी है, सिलेबस में ही दो कंपनी है, मैं क्या करूं सर, कौन कौन सी है सर, एक है आपके पास विप्रो और एक है आपके पास इंफोसिस, एंड वे वन और कंपनी जो IT कंपनी तो नहीं पर ई कॉमर्स कंपनी है बेसिकली, फ्लिपकार्ट। हो गया सर, थ्री मोर कंपनीज, आप ही ने आंसर दिया, मैंने तो आंसर भी नहीं दिया, मैंने तो खाली इतना सा पूछा था IT हब बताओ मुझे इंडिया के अंदर, आपने बैंगलोर बोला और मैंने IT की कंपनी लिख दी वहां पे, विप्रो एंड इंफोसिस एंड वन मोर ई कॉमर्स कंपनी IT जैसा ही बोल लो उसको आप, विच इज फ्लिपकार्ट। तो आप सिर्फ देखो
हमने कितना सारा कवर कर लिया, 10, 14, 16, 19 कंपनीज कवर कर ली सर, 19 कंपनीज इन 20 मिनट्स आई गेस। समझा आपको, बैंगलोर, विप्रो, इंफोसिस, फ्लिपकार्ट याद रहेगा सर? बताइए मुझे, 107 लोग ऑनलाइन है, याद रहेगा होपफुली? प्लीज लेट मी नो। 19 कंपनीज डन ऑलरेडी, अभी बोला है 19 कंपनीज डन, यस सर 19 कंपनीज डन इन लेस देन 20 मिनट्स। 108 लोग देख रहे हैं, 108 पीपल आर ऑनलाइन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, मैसेज आ रहे मेरे पास, यस सर करके, हिनिका के, जैनिल के, रेनू के, हुसैन, अनंत, नकुल, थैंक यू सो मच। 19 कंपनीज करने के बाद अब तो मेरे पास 5-6 कंपनी बची इंडिया के अंदर, सारी ऑलमोस्ट कंपनी खत्म हो गई। मैं आपको हेडक्वार्टर ऐसा याद करवाया 20 मिनट के अंदर जो पूरा इंडिया में कोई नहीं करवाता सर, ऐसा याद करवाया आपको। अंजलि सर जी बिल्कुल याद रहेगा, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं, सुना, आई राइट 3 नेम्स, डन। मैंने 3 प्लेसेस का नाम लिखा हुआ है और वो 3 प्लेसेस का नाम आपको अभी याद करवा दूंगा, ठीक है? वी आर 112 ऑनलाइन, 112 लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, वेरी गुड। यहाँ पे सुनना, तीनों नाम के अंदर मैं सेकेंड हाफ कंसिडर करूंगा, सेकेंड हाफ मतलब हैदराबाद के अंदर ये बैड, गुरुग्राम के अंदर ग्राम, उत्तराखंड के अंदर ये कांड, खंड जो भी इसको आपको बोलना है, ठीक है? क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर टाइप करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपको याद रहेगा, ठीक है? बैड सर, बैड मतलब खराब, क्या खबर खराब है सर? तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है। अब मुझे बताओ, अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप किसके पास जाओगे? आपको सिर्फ टाइप करना है मैसेज जल्दी। रिदम सोनी सर साथ में याद भी हो जाता है, वही करना है सर, वही हमारा एम है, जल्दी बताओ। हैदराबाद के अंदर मैंने सेकेंड हाफ लिया, बैड तबीयत खराब है, ऐसा बोलने का मतलब बैड मतलब तबीयत खराब है आपकी, तो आप किसके पास जाएंगे? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। एकदम आसान क्वेश्चन, आपको रिप्लाई करना है जिससे आपको वो चीज़ याद हो जाए हमेशा के लिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। मैसेज आ रहे मेरे पास डॉक्टर करके, मैसेज आ रहे मेरे पास डॉक्टर करके, अराउंड 15-20 मैसेज आ गए ऑलरेडी, 6-7-8 मैसेज और आ गए। निखिल बोलता है नर्स के पास जाते हैं, ये पागल, क्या बोलूं तेरे को मैं, नर्स के पास कौन जाता है निखिल? गंदी गंदी बातें मत कर। साक्षी बोलती है सीए के पास जाते हैं, बोलो। तो सर एक काम करते हैं, अपन रिटर्न फाइल करना होगा, ऑडिट करवाना होगा, ऑडिट उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे फिर, पागल लड़की साक्षी विश्वकर्मा। सबका आंसर राइट आई गेस, एंड द आंसर इज डॉक्टर, जो आपने आंसर दिया हम लगा रहे हैं डॉक्टर के आगे रेड्डी। एक और कमी हो गई सर, हैदराबाद, बाद मतलब बैड बेसिकली, तबीयत खराब है आपकी, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से हो गया डॉक्टर रेड्डी, एक कंपनी का हेडक्वार्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, अगर आपकी तबीयत खराब है आपको जनरली डॉक्टर के पास लेकर कौन जाता है? लाइक जनरली जो घर में होता है या यू नो जो आपको जनरली डॉक्टर के पास लेके जाता है, मुझे बताओ कौन लेके जाता है डॉक्टर के पास, कौन लेके जाता है? 112 लोग ऑनलाइन है, 112 आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट सबका ही मैसेज आना चाहिए, सबका ही वीडियो पे लाइक होना चाहिए, ठीक है? मुझे बताओ डॉक्टर के पास कौन लेके जाता है, जनरली कौन घर में होता ही है जो आपको डॉक्टर के पास लेके जा सकता है? मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। वी आर 114 ऑनलाइन राइट नाउ, मैसेज मेरे पास पापा 108, अरे इतनी तबीयत खराब नहीं हुई 108, पागल कौन है ये ऋषि, इतनी तबीयत खराब नहीं हुई, नॉर्मल तबीयत खराब हुई है। पेरेंट्स, अरे पेरेंट्स में भी कौन आपको मानना पड़ेगा, मम्मी, अरे जनरली मम्मी, जनरली बोल रहा हूँ, मम्मी घर पे होती है ना, पापा तो ऑफिस जाते हैं जनरली, तो मम्मी होती है जनरली जो आपको बेसिकली डॉक्टर के पास लेके जाएगी। अब सर मैं मम्मी क्यों बोल रहा हूँ, मैं मम्मी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज द नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव इज अमेजॉन, जिसके लिए मैं लिखूंगा अम्मा, ठीक है?
डॉक्टर के पास लेके जाती है अम्मा, अम्मा के आगे मैं लगा दिया सिर्फ ZON, अमेजोन। दो कंपनी और हो गई सर, मतलब हमारी 19 कंपनीज हो गई थी, 19 + 2 21 कंपनीज और हो गई, 19 + 2 21 कंपनीज हो गई सर। हैदराबाद बैड सेकेंड हाफ लिया हमने, क्या सर क्या बैड, तबीयत तबीयत खराब है आपकी, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर के पास लेके जाएगी अम्मा, अम्मा से अमेजॉन। भाई हो गया यार, मजा आ गया, तो ठोको ताली, ठोको लाइक का बटन, मुझे थम्स अप दो कि हाँ सर याद हो गया। एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर एवरीथिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए। हेडक्वार्टर इज समथिंग जो जनरली बदलता भी नहीं है, तो आपको ये लाइफ टाइम एसेट है आपका। आर बी क्लियर? गिव मी थम्स अप, मैं वेट कर रहा हूं। 81 लाइक्स हो चुके हैं अपने और मेरे पास थम्स अप आना स्टार्ट हो चुके हैं। हिनिका, ऋतिका, अर्पिता, अर्श, नेहा, रिया, रुषि, सर मान गए, थैंक यू। तनिष, माधवी, जैनिल, ममता, ऋतिका, टू सी ग्रेट हो सर जी, थैंक यू। मनीषा, हुसैन, अवधूत, आजय, आशी, गोविंद, गुंचा, पीयूष, निखिल, बच्चों बजाओ ताली, अंजलि, अमृता, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ऑलमोस्ट 50-60 मैसेज आ गए मेरे पास ऑलरेडी। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। अनंत, थैंक यू। सुनना, अब मैं सेकेंड हाफ पर आया, ठीक है। अगेन अ क्वेश्चन विल बी देयर, अगेन अ क्वेश्चन विल बी देयर, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ठीक है। आप अभी लिखो, लिखा हुआ देखोगे यहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर मैंने ग्राम को अंडरलाइन करा हुआ है, हाईलाइट करा हुआ है। ग्राम मतलब बेसिकली इज इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वेट्स। आप मुझे बताओ, ग्राम मतलब वजन, बेसिकली वजन उठाने के लिए क्या चाहिए आपके पास, आपके पास क्या होना चाहिए अगर आपको वजन उठाना है, तो दैट इज वॉट यू नीड टू रिप्लाई। वजन उठाने के लिए यू वॉन्ट टू लिफ्ट समथिंग, आपको उठाना है वजन ग्राम, तो आपके पास क्या होना चाहिए, टेल मी क्या होना चाहिए। मैसेज मी रिदम, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह सर, यू आर ग्रेट, इतनी अच्छी 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 तरह याद करवाया। अर्पिता, थैंक यू। जल्दी मुझे रिप्लाई करो, अगर मुझे ग्राम मतलब वेट, बेसिकली वेट मुझे उठाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए। मैसेज आया मेरे पास पावर 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 करके, राशि ABCD, निखिल, हुसैन, जैनिल, ऋतिका, विशाल, आशी, अनंत, गेटिंग द मैसेज। एनर्जी वेइंग मशीन, बोलो वेइंग मशीन, गोविंद का बोलता है वेइंग मशीन, ओ गोविंद भाई। जैनी बोलता है हाथ, वाह क्या मैसेज है। और वो सबका आंसर राइट ही आया, जो मैं चाह रहा हूँ मैसेज आ रहा है मेरे पास, सबका आंसर राइट है सर। बेसिकली द आंसर वॉज पावर। सर ऐसा क्यों पूछा आपने, बिकॉज द नेम इज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। हो गई एक और कंपनी, 19 + 2 21 + 1 22, 22 कंपनीज डन सर, आधा घंटा हुआ नहीं है लेक्चर को, 22 कंपनीज हो चुकी है अपनी, हेडक्वार्टर्स ऑफ 22 कंपनीज डन ऑलरेडी। गुरुग्राम रिपीट करो, जो लेट ज्वाइन करे बाद में ज्वाइन करा जिसने, गुरुग्राम ग्राम बेसिकली मेजरमेंट ऑफ लाइक यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। तो वेट उठाने के लिए बेसिकली आपके पास चाहिए ताकत, पावर, तो गुरुग्राम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। इजी, सुपर इजी। अगला क्वेश्चन सुना, अगला क्वेश्चन सुनना। नेक्स्ट कंपनी दैट आई हैव विथ मी इज हेडक्वार्टर्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड को मैं बेसिकली पढ़ रहा हूं एज कांड, कांड, ठीक है, KAND, कांड। अब लाइफ में अगर कांड हो जाता है तो जनरली मुंह से क्या निकलता है, ठीक है, सेंसर्ड वर्जन में आंसर देना है, जो निकलता है वो नहीं बोलना है, सेंसर्ड वर्जन में आंसर देना है कि सर लाइफ में कभी कुछ कांड हो जाता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, तो मुंह से क्या निकलता है। कैन यू टेल मी? अर्पिता, सुपर डुपर इजी, थैंक यू। तनिष, चिल, मैं आऊंगा उसके ऊपर, आऊंगा मैं उसके ऊपर। ये देखो कैसे कैसे मिसाइल, मैं बोल रहा हूँ सेंसर्ड वर्जन, बेशर्मो। OMG आंसर है मेरे पास, लोग क्या क्या टाइप कर रहे हैं, बेशर्मो। CA कर रहे हैं अपन, BCOM का लेक्चर नहीं कर रहे, ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। लोग लिख रहे हैं बेन स्टोक्स, पागल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द आंसर इज OMG, मैं भी आपको ये सिखा रहा हूं, OMG, नॉट बेन स्टोक्स।
OMG को मैंने लिखा, ONG आगे लगा दिया, सी, ONGC, कितना आसान हो गया। वापस बोलता हूं, उत्तराखंड अगेंस्ट, मैंने सेकंड ऑफ लिया, ठीक है। लाइफ में कोई कांड हुआ, मुंह से क्या निकलता है, OMG, तो OMG की जगह मैंने कर दिया ONGC, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, नाम सुना होगा आपने शायद, ONGC। आसान, बेशर्मो, आसान। एक और कंपनी खत्म करवा दी, 23 कंपनीज डन, आसान। गिव मी थम्स अप। अब जाके अपना ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है एंड हमने 22 कंपनीज कर ली, 23 कंपनीज रादर, शायद 23 कंपनीज कर ली, इजी। वेटिंग फॉर थम्स अप, जल्दी से, वेटिंग फॉर थम्स अप, जल्दी से। तो मैं दो छोटी मोटी कंपनी और करवा दूं आपको एंड वी आर डन विद इंडियन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स विद इन हाफ एन आवर। राहुल अपन बात करते हैं बाद में, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए प्लीज। राहुल अपन बाद में बात करेंगे पक्का। मैसेज मेरे पास, नेहा, अनंत, अश्र, अंजलि, हिनिका, विशाल, रिदम। सर पैर किधर है आपके, क्या बात है रिदम, थैंक यू। ममता, अर्श, महक, रिया, आरजे, माधवी, गुंचा, निखिल, अर्पिता, अवधूत, मैत्रा, अंजलि, मनीषा, माही। ओके ओके, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है सर? 7 to 8 मार्क्स का वेटेज है, 7 तो मान के चल। प्राची, डन सर। ओके ओके, दो कंपनी और बची एंड वी आर डन विथ एवरीथिंग। दो कंपनी बची सर। सर कौन सी दो कंपनी? सबसे आसान वाली कंपनी मैंने लास्ट में रखी हुई है, सबसे आसान कंपनी मैंने लास्ट के लिए रखी हुई है। सर कौन सी? देख, वी हैव अ प्लेस कॉल्ड अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद। ए डी बेसिकली अदानी, मैं इसको बहुत ज़्यादा आसान मानता हूँ, नहीं तो शायद उसके बिना भी याद हो जाता, बिना कोई ट्रिक के। अहमदाबाद अडानी, ठीक है, जो वेरी वेरी इजी, एक बार में याद हो जाता है। एंड द लास्ट वन सर, हमारे मुंबई से, आई मीन मुंबई राइट नाउ, हमारे मुंबई से दिस पूना इज़ वेरी मच नियर बाय, अराउंड 100 किलोमीटर्स है, बहुत ही ज़्यादा पास में है, मुंबई से पूना बहुत ज़्यादा पास में है, इतना पास में है कि बाइक पे भी जा सकते हैं, और बाइक की सिर्फ एक ही कंपनी सर्विस में है, विच इज बजाज। कितना आसान हो गया भाई, कितना आसान हो गया कि सर मुंबई में आप रहते हो, ठीक है, आपको जाना है पूना, और पूना इट नॉट इवन 100 किलोमीटर्स, इतना पास में कि अगर बाइक पे जाना हो तो बाइक पे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रोड है, और बाइक की सिर्फ एक ही कंपनी सर्विस में है, विच इज बजाज मोटर्स। तो सर एक और कंपनी हमने कर ली, सर कौन सी करी हमने? पुणे के अंदर बजाज, एंड वी आर डन विथ ऑल द कंपनीज, इजी इजी इजी। इंडियन कंपनीज सारे हेडक्वार्टर्स खत्म करवा दिए आधे घंटे के अंदर, एक्सपेक्टिंग आपको याद भी हो गया होगा। यू कैन ऑब्वियसली टेक स्क्रीनशॉट्स, आप लिखने में टाइम वेस्ट ना करो, कैन ऑब्वियसली टेक स्क्रीनशॉट्स। अराउंड 25 कंपनीज मैंने करवा दी आपको इन लेस देन हाफ एन आवर, और ऐसा करवाया कि आप जब तक जिंदा आपको याद रहेगा। हैप्पी? ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं, आई कैन सी 105 लोग देख रहे हैं, कुछ अभी ऑनलाइन है, ऑल दो लाइक सिर्फ 85 ही है, पर 105 लोग, 106 लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टिंग आपको सारा का सारा समझ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं बिना देखे, ठीक है। अभी मत देखना, मैं भी नहीं देखूंगा, ठीक है, अभी मत देखना, मैं भी नहीं देखूंगा, ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है, स्क्रीन से हटा दिया मैंने। रिकॉल करते हैं, ठीक है, जिसने लेक्चर बाद में भी ज्वाइन करा उनका भी वापस से रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ मुझे सुनते रहना, ठीक है, सिर्फ मुझे सुनते रहना, और अगर याद हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंडियन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स कर रहे हैं, एंड वी स्टार्टेड लाइक दिस। भारत एंड एशिया के बैंक्स को लूटा, रिलायंस एंड टाटा बोले सिप्ला। भारत मतलब भारत पेट्रोलियम, एशिया मतलब एशियन पेंट्स। बैंक सिलेबस में चार ही हैं सर अपने पास, एक्सिस, SBI, HDFC, ICICI। लूटा इस LNT, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, टाटा, सिप्ला, हो गए 10 कंपनीज। इन 10 कंपनीज का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, खत्म हो गया यार। सर फिर ये सब देख के दिल्ली, बेसिकली दिल्ली का ईगो हर्ट हो गया कि यार इंडिया का कैपिटल मैं हूं,
और सारी कंपनी अपना हेडक्वार्टर खोल के बैठी है मुंबई के अंदर, उसका ईगो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो दिल्ली फ़ोन करता है मुंबई को, फ़ोन करके बोलता है कि ब्रो देख, तेरे पास अगर भारत पेट्रोलियम है तो मेरे पास इंडियन ऑयल है, तेरे पास अगर रिलायंस जियो है तो मेरे पास भी एयरटेल है। ऐसा बोल के उसका ईगो सेटिस्फाई होता है एंड नाउ इट कैन गो टू स्लीप पीसफुली। सोने से पहले क्या बोलते हैं सर, गुड नाइट जी एन, जी से गेल, एन से एन टी पी सी। कितना ईजी सर। दे नेक्स्ट नेक्स्ट डेट कोलकाता, अरे जगह के नाम में ही छुपा हुआ है कंपनी का नाम कोलकाता, कोल इंडिया, और कोल से सिगरेट जला रहे हैं आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी। तो कोलकाता के अंदर दो कंपनी का हेडक्वार्टर। फिर आपसे हमने क्वेश्चन पूछा कि सर आईटी हब कौन सा है इंडिया के अंदर, एंड यू गेव मी द आंसर कि सर बैंगलोर। तो बैंगलोर के अंदर वी हैव टू आईटी कंपनीज विच इज विप्रो एंड इन्फोसिस, और एक ई कॉमर्स कंपनी भी है फ्लिपकार्ट। तीन कंपनी और हो गई सर। सर फिर नेक्स्ट, फिर हमने वो तीन नाम बनाए आपके सामने, गुरुग्राम वाला, उत्तराखंड वाला एंड हैदराबाद वाला। हैदराबाद में सेकेंड हाफ लिया बैड, तबीयत खराब है आपकी, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर के पास लेके जाएगी अम्मा अमेजॉन। दो और हो गई सर। फिर गुरुग्राम, ग्राम मीन्स वेट, वेट उठाने की चाहिए ताकत, ठीक है, और ताकत से इंग्लिश पावर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। उत्तराखंड, लाइफ में कुछ कांड हो गया तो आपके मुंह से निकलेगा ओ एम जी, ओ एम जी की जगह ओ एन जी सी। अहमदाबाद अडानी, और पुणे इतना पास में, बाइक से जा सकते हैं बजाज। बिना देखे बोला, आपको भी अब तक मेरे हिसाब से याद हो ही चुका होगा सर। तनिष्क मैं आऊँगा सिंगापुर के ऊपर, बाबा मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, चिल तनिष्क मैं आऊँगा उसके ऊपर। बिना देखे आगे समय खत्म करा, आपको भी बिना देखे आई थिंक याद हो गया होगा, चाहिए तो आप ट्राई कर लो एक बार, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया लाइफ में थोड़ा सा, बेशर्मो कॉन्फिडेंस आया लाइफ में थोड़ा सा कि हाँ सर याद हो गया, हाँ सर बिना देखे याद है, हाँ सर आधे घंटे में ऐसा याद किया जैसा हमने अब तक कभी याद ही नहीं करा था, ठीक है, ओके। कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में, मैं तो नींद में भी कोई पूछे तो बोल सकता हूँ रिदम वेरी गुड, बस ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए। यस सर याद हो गया, अनंत का मैसेज है। लेट मी नो इफ यू कैन रिमेंबर, बिना देखे बोल सकते हैं आप, लेट मी नो प्लीज। जैन का मैसेज है, हाँ ऋषि बोल रहे हैं, यस लौकिक, यस सर। हिनी का यस सर डन, यस सर याद हो गया। अवधूत का मैसेज, बरखा सिंह, हुसैन, जैनिल मज़ा आ गया, थैंक यू, यस सर। ममता 80-90 हो गया सर, ममता 100 करना है अपन को। माधवी यस सर, रिया सर चैप्टर गया माइंड में, थैंक यू, हाँ सर याद हो गया। ध्रुवी, माही हाँ सर, जैनिल हाँ सर, राशि हाँ जी सर, आश्रह का मैसेज है, अब्दुल बुरा यस सर याद हो गया, विकास यस सर, आशी यस सर, अमर यस सर, सहजादी खान यस सर माशाल्लाह, रितिका माही गोविंद, ठीक है, अराउंड 70-80 मैसेज आ गए मेरे पास आउट ऑफ 100 लोग जो अभी ऑनलाइन हैं। बिना देखे एग्जाम में लिख सकता हूँ, नहीं नहीं जैनल देख के लिखना प्लीज, छप गया दिमाग में, नाइस आज है विशाल, ठीक है। अब सुनना, अब हम थोड़ा सा हेडक्वार्टर्स के बाद ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन याद करने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें मुझे आपका थोड़ा फोकस लगेगा, ठीक है, याद हो जाएगा, अगेन बहुत इजी से याद करवाऊंगा मैं आपको, ऐसा याद करूंगा हमेशा याद हो जाएगा, पर थोड़ा सा फोकस बनाए रखना, ठीक है। मैं कुछ बोलूंगा आपके सामने, यहाँ पे फोकस, अगेन सिर्फ देखना है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, गिव मी वन सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ कुछ, मैंने यहाँ पे लिखा अमीर कंपनी, मैंने यहाँ पे लिखा बैंक्स, मैंने यहाँ पे लिखा C3, मैंने यहाँ पे लिखा दवाई, मैंने यहाँ पे लिखा ई कॉमर्स, एंड लास्ट में फ्यूल, एंड लास्ट में फ्यूल। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, आप बेसिकली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा इट इज़ बेसिकली ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। वैसे याद करने के लिए मैंने बनाया ए बी सी डी ई एफ। आगे एक मिनट, ये विव वन को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ओके ब्लॉक्ड, ठीक है, अपन फोकस करते हैं। सर अमीर कंपनी के अंदर नाम लिख रहे हैं, ठीक है, आई विल जस्ट राइट डाउन नेम्स फर्स्ट,
आपको फोकस करना है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ठीक है? आई राइट डाउन फ्यू नेम्स। सर कौन कौन से नाम लिख रहे हो आप? हम ऑब्वियसली सबसे पहले लिखेंगे टाटा, टाटा के बाद आईटीसी, ठीक है, अमीर कंपनीज, आईटीसी, एलएनटी एंड लास्ट में रिलायंस। चार कंपनी लिखी मैंने, जल्दी से देखो उसको एक बार, मैं आपके तब तक मैसेज पढ़ लेता हूँ। ओके, सबके मैसेज आ चुके हैं ऑलमोस्ट, डन डन करके। फोकस, हमारे पास जितनी भी कंपनीज है मोस्टली द ईयर ऑफ ईयर्स आर 1938, 1942, 1945, 1995, 1998, 1938, मतलब सब कंपनी के आगे जनरली 19 आता है, ठीक है, आगे कुछ ना कुछ आएगा। कुछ ही कंपनीज ऐसी है जो बहुत पुरानी कंपनीज है, बाय पुरानी आई मीन स्टार्टिंग में 18 आएगा, ठीक है, कितना इजी है। तो मोस्टली मतलब 95% कंपनीज आपके स्टार्ट होगी 19 से, 1938, 1962, 1973, 1966, 1942, 1945, 1981, 1984, सब कंपनीज मोस्टली 19 से स्टार्ट होगी। कुछ ही कंपनीज ऐसी है जो पुरानी है, व्हेन आई से पुरानी आई बेसिकली मीन स्टार्टिंग में 18 होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है? नाउ टाटा, आई थिंक वी ऑल नो कि इट इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी एंड ये लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, उसका बहुत ईजी फिगर है 1868, ठीक है, बहुत आसान सा फिगर है, मैंने ऐसे ही लिख दिया वहाँ पे 1868। टाटा के अंदर कुछ लोड नहीं है, लोड आगे स्टार्ट होगा। ओके, लिख रहा हूं मैं उसको स्मॉल करके 1868। नेक्स्ट पे फोकस करना। सो नेक्स्ट कंपनी दैट वी हैव इज आईटीसी। आईटीसी के अंदर, आईटीसी के अंदर वो जो आई लिखा है ना, आई, अगर मैं आई को टाइप करता हूं तो डू यू अग्री कि इट लुक्स लाइक वन। वापस क्वेश्चन सुनना, आईटीसी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, आईटीसी अगर उसमें आई टाइप करूंगा कैप्स लॉक ऑन करके अपर केस में, आईटीसी का आई टाइप करूंगा, कैन आई से सर आईटीसी का जो आई है इट विल लुक लाइक वन अगर मैं उसको कैप्स लॉक ऑन करके लिखूंगा तो? डू यू अग्री विद मी? इन केस यू अग्री विद मी, 19 तो कॉमन ही है सर, यहां से बन जाएगा वन। और आपको जो ये सी दिख रहा है वो देख, सी को अगर मैं जोड़ दूं ऐसे तो सर क्या बन गया? जीरो, 1910। कितना आसान, कितना ज्यादा आसान, उसको ब्लैक कर देता हूं और वापस से इनके सामने मिस कर दिया, मैं वापस बता देता हूं आपको कि सर 19 तो ठीक है कॉमन ही है, आई को मैं अपर केस में लिखूंगा तो इट विल लुक लाइक वन, तो 19 के बाद वन, और सी को मैं जोड़ दूं अगर तो इट बिकम्स जीरो, 1910 हो गया। एक और कंपनी, तो टाटा 1868 और आईटीसी 1910, इजी, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सर याद हो सकता है, बहुत आसान है, ठीक है, एक्सपेक्टिंग बहुत इजीली याद हो गया होगा आपको, ठीक है? आगे सुनना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा तो सबको रिप्लाई करना है। जूम करता हूँ आपके लिए, सर आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है एलएनटी, एलएनटी के अंदर ये जो एंड है, एंड ये कौन से नंबर की तरह दिख रहा है, नंबर 1 2 3 4 नंबर होते हैं ना, तो एलएनटी का जो एंड है इट इज लुकिंग लाइक विच नंबर, क्या आप मुझे टाइप करके बता सकते हो प्लीज? मैं वेट कर रहा हूं, कैन यू टाइप इट फॉर मी कि सर एंड इज लुकिंग लाइक दिस पर्टिकुलर नंबर, बताइए मुझे, अपुन वेट कर रहा है जल्दी। यस सर, आप बेस्ट हो, थैंक यू ममता। हाँ, मैं टाइम दे दूंगा। ओके, आई एम गेटिंग द मैसेजेस, एट, सबका मैसेज आ रहा है एट, आपको एट ही लगना चाहिए, अगर आपको एट नहीं लग रहा तो आपको सर चाहिए एक चश्मा नंबर वाला, इन केस आपको वो एट नहीं दिख रहा तो बेशर्म, कोई बोलता है टू, कोई बोलता है फोर,
90% 95% लोगों ने 80 बोला, दो जन बोलते हैं 2 and 4, बेशर्मो अंधो। आंसर सबका राइट है। सर आप बोलना क्या चाहते हो? हम आपको बोलना चाहते हैं सिर्फ ईयर 19 तो कॉमन ही है सर, 1938 हो गया, हो गया। एल एन टी का एंड इज 8, 1938, सच एन इजी नंबर एंड सच एन इजी वे टू रिमेंबर द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक्सपेक्टिंग याद रह जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। रिलायंस इज वेरी इजी। इसकी पुरानी बुक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, पुरानी बुक में जो एडिशन में इसका ईयर वॉज गिवन एज 1966, पर जो भी लेटेस्ट एडिशन आ रहे हैं उसमें द ईयर दैट हैज बीन गिवन इज 1973, पर पुराने एडिशन में इट वॉज 1966 ऑल्सो, पर ये रिसेंट है जो आईसीएआर में लास्ट दो एडिशन से छाप रहा है, इट इज 1973, बट पुराने में 1966 भी था। एग्जाम में दोनों साथ में नहीं आएगा, या तो 1966 आएगा या 73 आएगा, 98% 1973 आएगा, तो आपको 1973 ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम आसान, तो मैं आपको वापस बताता हूँ, वो चार कंपनी जो हमने अभी खत्म करी, अमीर कंपनी के अंदर चार कंपनी हमने खत्म करी। टाटा पुरानी कंपनी है 1868, आईटीसी 1910, एलएनटी 1938, और रिलायंस इजी फिगर है 1973 इज एन इजी फिगर, 1973 याद हो जाता है, ठीक है। सर ऑप्शन में 1938, 28, 48 है तो क्या करेंगे? जेनिल याद करेंगे, अभी याद करवा रहे हैं ना, 1938 याद करेंगे, बेशरम। आगे बात कर रहा हूं सर, हमने लिखा है बाद में बैंक्स, बैंक्स के अंदर नाम सुनना, मैं आपको सारे बैंक के नाम एक बार लिख के बता देता हूं। सबसे पहले लिखा मैंने सबसे पुराना बैंक, सबसे पहले आई रोट डाउन सबसे पुराना वाला बैंक विच इज एसबीआई, फिर अल्फाबेटिकली एबीसीडी के हिसाब से मैंने लिखा एक्सिस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। आई रिपीट माई सेल्फ, हमने सबसे पहले लिखा सबसे पुराना बैंक का नाम, जैसे मैंने पुराना बोला ना, आपके दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, पुराना मतलब एसबीआई, पुराना मतलब 18, एंड द ईयर में पहले ही लिख दो ईयर 1806, पहले ही लिख दिया मैंने, ठीक है। पुराना सुनते ही सिर्फ एक ही स्टार्ट में आना चाहिए 18, तो नाम हो गया वहां पे, नंबर हो गया 1806। सर उसके बाद आपने कैसे लिखा है? अल्फाबेटिकली एबीसीडी की तरह लिखा, सच एन इजी नंबर 1993, और ये दोनों 1994, हो गया याद, हो गया याद। वापस बोल रहा हूं, बैंक्स के अंदर चार बैंक के नाम लिखे, सबसे पहले लिखा मैंने सबसे पुराना बैंक विच इज एसबीआई, उसके बाद मैंने अल्फाबेटिकली लिखा विच इज ए बी सी डी ई एफ जी करके, आई कैन सी एक्सिस, देन आई कैन सी एच डी एफ सी एंड देन आई सी आई सी आई। एक्सिस का 1993, बाकी दोनों बाजू में जो है जस्ट 1 ईयर आफ्टर 1994। आसान, प्लीज लेट मी नो एम आई एबल टू कम्युनिकेट, एम आई एबल टू मेक यू रिमेंबर थिंग्स, प्लीज लेट मी नो। आपको ये आठ कंपनी के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन याद हो रहे हैं क्या? प्लीज बताइए मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ, आई नीड टू नो एग्जैक्टली इफ आई एम एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। रिदम सिंह जाराछूत बोल रहे हैं, मेरे को आज ऐसा लग रहा है जादू देख रहा हो सर, मजा आ रहा है सर। रिदम थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, अभी तो बहुत सारा जादू बाकी है बताना, अभी तो स्टार्ट किया सिर्फ। एक्सपेक्टिंग वी आर क्लियर, एक्सपेक्टिंग वी आर क्लियर, ओके। मैसेज ड्रॉप कर देना मुझे एक बार, सो दैट आई कैन कम टू नो कि मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। ओके मैसेज मेरे पास यस सर करके, बेस्ट वे ए बी सी डी राशि नेहा गोविंद अनंत रितिका आश्रह ममता हिनिका, ओके। जैनिल जैन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, यू आर अमेजिंग, थैंक यू आश्रव, थैंक यू सो मच। यहाँ पे फोकस करिए, आगे बात करते हैं, वेरी इजी सर बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू अवधूत। यहाँ पे C3, बाद में बताता हूँ C3 का मतलब, पहले एक बार कुछ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, पहले एक बार कुछ लिखता हूँ, फोकस करिएगा प्लीज।
डन सर। सी थ्री में थ्री का मतलब क्या है? थ्री इज बेसिकली द गैप सर। गैप मतलब देख मैं लिखता हूं, नाइनटीन फोर्टी टू 1945, ठीक है ये हो गया। बाद में 1995 एंड 1998। नाउ कैन यू सी वी हैव अ गैप ऑफ 3 ईयर्स। इससे मैंने नाम दे दिया सी थ्री। वापस आई रिपीट इट फॉर यू इनकेस आपको नहीं समझ में आया तो, हमने लिखा पे सी थ्री। सी थ्री में थ्री का मतलब बता रहे हैं, 3-3 साल का गैप है सर। एशियन पेंट्स बजाज में 3 साल का गैप है। एशियन पेंट्स 1942, बजाज 1945, एयरटेल अदानी के अंदर 1995-1998, ठीक है इतना आपको दिखा होगा 3-3 साल का गैप। ना द प्रॉब्लम इज सर, ये कैसे याद रहेगा कि कौन सी कंपनी का नाम कहाँ पे है? ठीक है सपोज आप एग्जाम में एशियन पेंट्स से लिख कर आ जाते हो एयरटेल, तो आपके तो एयरटेल का ईयर हो गया 1942, तो यू कैन नॉट मेस अप इन द सीक्वेंस बिकॉज हमने सीक्वेंस के हिसाब से याद करा है। 3-3 साल का गैप, 42-45, 95-98, तो ईयर तो याद हो गया, अरे कंपनी भी तो याद करना है ना, तो कंपनी कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी सुनना, उसे आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस। स्टोरी सुनना, अभी दिवाली का टाइम था, ठीक है अभी दिवाली का टाइम था। अब दिवाली के टाइम पे मैंने घर पे वो पेंटिंग कराया था ना, अपन हिंदू के अंदर जनरली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली को, तो मैंने घर पे पेंट करने वाले को बुलाया, एशियन पेंट्स वाले को, कि भाई मेरे घर के अंदर आके पेंट कर दे, दिवाली का टाइम आ रहा है तो एकदम त्यौहार फेस्टिव सीजन है। तो एशियन पेंट्स वाला आया मेरे घर पे पेंट करने के लिए। अब उसका जो पेंट था वो पेंट थोड़ा सा बच गया, तो पागल ने क्या करा, मेरी बाहर बाइक पड़ी हुई थी उस बाइक को पेंट कर दिया, मतलब मेरी बाइक थी ब्लैक कलर की, उसको उसने पिंक कलर का पेंट कर दिया पूरा, मतलब रॉयल एनफील्ड उसके ऊपर पिंक कलर का पेंट कर दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया फिर कि यार तेरा पेंट बच गया था तो तू कहीं और यूज़ कर लेता पागल, मेरी बाइक को क्यों पेंट कर दिया? पर उसने तो पेंट कर दिया सर। सर फिर क्या हुआ, फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने बेसिकली फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन उठाया जिसके अंदर एयरटेल का सिम कार्ड है, और जो भी मेरे साथ हुआ ना अभी ये सब मैंने बताया अडानी जी को। आई रिपीट, एक मिनट, ये ओम पाठक को अपन ब्लॉक कर देते हैं। ओम पाठक जी बस एक मिनट आपको ब्लॉक कर दें। डन, ब्लॉक कर दिया, सुना मेरी बात। आई रिपीट, दिवाली का टाइम है, इतना इजीली याद हो जाएगा, दिवाली का टाइम है। अब जैसे ही दिवाली का टाइम है हमने बोला कि हमने एशियन पेंट्स वाले को घर पे बुलाया पेंट करने के लिए। अब उसने पेंट कर दिया तो उसका थोड़ा सा कलर बच गया, पिंक कलर बच गया उसका, तो उसने क्या करा, मेरी रॉयल एनफील्ड को जो ब्लैक कलर की है उसको उसने पिंक कलर पेंट कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने फ़ोन उठाया जिसके अंदर एयरटेल का सिम कार्ड है, और ये सब मैंने बताया अडानी जी को। नाउ इफ यू कैन रिमेंबर द सीक्वेंस, एशियन पेंट्स, बजाज, एयरटेल, अडानी। सो नाउ इफ यू नो द प्लेसमेंट्स सर, ईयर कितना इजी हो गया, 1942, 1945, 1985, 1998, मज़ा आया, मज़ा आया, इजी इजी इजी। आर वी क्लियर विथ सी थ्री? मैं आपको सीक्वेंस भी याद करवाया और मैंने आपको अंदर ईयर भी याद करवाया, 3-3 साल का गैप। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। अगर मज़ा आया हो, याद हुआ हो तो लाइक कर देना वीडियो, इन केस यू आर नॉट लाइक, बेशर्म तुम कमेंट तो करते नहीं हो, मेरे बी सी आर वाई लेक्चर के अंदर कोई कमेंट ही नहीं है, 5-6 कमेंट है सिर्फ, बेशर्म हो तुम कमेंट भी नहीं करते हो, शर्म आती है तुमको? हाँ बिपिन देखना पिंक रॉयल एनफील्ड, देख हद हो गई ना। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? क्रिस्टल क्लियर सर, यस सर, यस सर, ग्रेट स्टोरी, थैंक यू अनंत। मेरे पास मैसेज अराउंड कुछ 10 अभी तक, 90 लोग अराउंड कुछ ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे फिलहाल। यस सर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर, लॉट्स ऑफ मैसेजेस, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। बेशर्मो लाइक और कमेंट कर दो। ओके गेटिंग थम्स अप, लॉट्स ऑफ थम्स अप। आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, सुनना। मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, ठीक है मेरे साथ, प्लीज फोकस। दवाई की बात कर रहा हूँ, अब
अपने सर इसमें दो कंपनी है दवाई वाली, आई थिंक वी ऑल नो नेम ऑलरेडी सर। एक है मेरे पास सिप्ला और एक है मेरे पास डॉक्टर रेड्डी। ई कॉमर्स की भी दो कंपनी अपने पास बेसिकली सर। कौन कौन सी दो है हमारे पास ई कॉमर्स वाली, पहले इस पे फोकस करते हैं सिप्ला डॉक्टर रेड्डी। मैं यहाँ पे लाइन बनाने की सोच रहा था, यहाँ लाइन बना देता हूँ। ठीक है, विप्रो, इंफोसिस, डन, फोकस करना थोड़ा बहुत, बिकॉज मैं लेट आया सर इसलिए सॉरी। बिपिन कोई बात नहीं, जहाँ से शुरू करा वहाँ से स्टार्ट कर दो। अडानी एडवोकेट है क्या? एडवोकेट है क्या ये पागल, क्या बोल रहा है? 100% क्लियर सर। ठीक है, फोकस करना सर, आपको सू करना चाहिए। हाँ हाँ सू करेंगे, सू करेंगे। फ्लिपकार्ट अमेजोन बाद में करेंगे। यहाँ पे सुना, हम एक हैंड जेस्चर से याद रखेंगे इसको सर। हैंड जेस्चर कैसा है बेसिकली, मैं यहाँ पे था, यहाँ से नीचे, फिर साइड में, फिर ऊपर वापस। मेरे हैंड मूवमेंट के ऊपर प्लीज फोकस करना, याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा, खुद से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे बाजू में ऊपर, वन मोर टाइम, यहाँ पे था मैं, यहाँ से नीचे बाजू में ऊपर। ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। ऐसे कुछ एरो बनाया मैंने सर। आपने ऐसा एरो क्यों बनाया? मैंने ऐसा एरो इसलिए बनाया बिकॉज द ईयर्स आर लाइक दिस, 1935, 1945, 1981, 1984। कितना आसान, कितना ज्यादा आसान। एरोस पे फोकस सर प्लीज, एरोस पे फोकस। यू कैन क्लियरली सी इट कि सर यहाँ पे थे, नीचे गए, बाजू में आए, ऊपर गए। एंड द ईयर्स 35, 45, 81, 84। वापस बोलूँ, 35, 45, 81, 84। वापस 35, 45, 81, 84। लास्ट टाइम 35, 45, 81, 84। एंड जेसर वॉज लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। नाम भी इजी ऐसे लिखा हुआ है, आप देखोगे लॉजिकली तो जो दवाई लिखा है मैंने, दवाई मेडिसिन, उसको मैंने सीधा लिखा है। सीधा मतलब पहले सी बाद में डी, और नीचे वाले को उल्टा लिखा हुआ है, तो पहले सीधा बाद में उल्टा है। तो दवाई के अंदर पहले सिप्ला फिर डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, अल्फाबेटिकली सी फिर डी। ई कॉमर्स उल्टा, पहले डब्ल्यू बाद में आई। कितना सिंपल है, 35, 45, 81, 84, 35, 45, 81, 84। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर? प्लीज मैसेज मी। ऑलमोस्ट हमारी 70-80% कंपनीज खत्म हो गई सर, सारी की सारी आपके सामने है। यहां तक मुझे बताओ, आर वी क्लियर? बिना देखे ट्राई करें एक बार, बिना देखे ट्राई करें एक बार। देख मैं इसको साइड में कर दिया, बिना देखे ट्राई करते हैं सर। सबसे पहले अमीर कंपनीज, अमीर कंपनी के अंदर पहले टाटा था 1868, बाद में ITC था 1910, फिर L&T था 1938, फिर रिलायंस था 1973। फिर बैंक के अंदर सबसे पहले सबसे पुराना बैंक लिखा हमने SBI 1806, फिर एक्सिस 1993, HDFC ICICI 1994। फिर हमने लिखा C3 सबसे आसान वाला, 42, 45, 95, 98। सबसे पहले एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स के बाजू में बजाज, बजाज के बाजू में एयरटेल, एयरटेल के बाजू में अडानी। 1942, 1945, 1995, 1998 सर। फिर दवाई और ई कॉमर्स को साथ में करा। दवाई में क्या लिखा, सिप्ला डॉक्टर रेड्डी, सीधा दवाई खाते हैं सही हो जाते हैं ना, दवाई खाते हैं सीधे हो जाते हैं, तो पहले सी बाद में डी, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी। ई कॉमर्स वाले उल्टे होते हैं, तो पहले विप्रो फिर इन्फोसिस एंड देन द जेस्चर 35, 45, 81, 84। बिना देखे एक मिनट के अंदर मैंने बोला। एक्सपेक्टिंग आप भी बोल सकते हो एक बार और रीड करके, आप भी इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे बिना देखे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये आपके सामने सब कुछ, तो मैं बस सिर्फ एक रो बची फ्यूल वाली, बाकी हमने सारे ईयर्स कर लिए इस तरह से कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आई हैव लॉट्स ऑफ मैसेज ऑलरेडी, थम्स अप वाले, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, लास्ट फ्यूल, लास्ट यहाँ पे फोकस सर। पहले लिखूंगा मैं बॉय, बॉय BOI। सर क्या बोल रहे हो आप, मैं लिख के बताता हूँ ना।
देखिए एक बार मैं लिख के बताता हूँ, भारत पेट्रोलियम, ठीक है, बॉय, ओ से ONGC, और क्या बचा, आई बचा, BOY नहीं, BOI, ठीक है, आई बचा, इंडियन ऑयल, ठीक है, बॉय सर, फिर गर्ल पावर लिखूंगा, लड़का हो गया, अब लड़की, गर्ल पावर, गर्ल से गेल, ठीक है, गर्ल पावर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये मैंने फ्यूल की कंपनीज के नाम लिखे, देख पहले बॉय लिखा फिर गर्ल पावर लिखा, बॉय BOI, भारत पेट्रोलियम, ONGC, इंडियन ऑयल, फिर गेल और पावर ग्रिड, आता हूं मैं इसके ऊपर एक एक करके, सिर्फ एक फिगर याद रखना है आपको, विच इज 1952, बस एक फिगर याद रखना है 1952 सर, सिर्फ एक फिगर क्यों, बिकॉज यहाँ से यहाँ पे +4 है और यहाँ से यहाँ पे +3 है, तो जल्दी से टाइप करके बताओ ONGC का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, अगर मैं उसमें +4 ऐड करता हूँ तो, जल्दी मुझे बताओ ONGC का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, 1952 +4, जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ बिकॉज आपको याद करवाना है, 1952 +4, टेल मी ONGC का इनकॉर्पोरेशन ईयर, एंड इवन इंडियन ऑयल का भी बता सकते हो, इवन इंडियन ऑयल का भी आप मुझे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता सकते हो, एग्रीइंग द आंसर्स, राइट आंसर्स, विजय अय्यर, हुसैन, ओके, ऑलमोस्ट सबने ही राइट आंसर दे दिया मुझे, आप दोनों बता सकते थे, इट इज दैट इजी सर, 1956 एंड 1959, कितना आसान, 1956 एंड 1959, तो सिर्फ भारत पेट्रोलियम याद करा मैंने 1952, सिर्फ एक ही याद करा, +4 +3, बॉय है बाजू में, ONGC 56, उसके बाजू में इंडियन ऑयल 59, एकदम आसान, फिर देख एक मस्त चीज बताता हूँ, एक मस्त चीज बताता हूँ, जेनी बोलता है सर कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, बेशरम, सुनना, अपने सिलेबस के अंदर पांच कंपनीज है, पांच पांच नहीं चार, सर कौन सी चार, MNC विमल, ए विमल वो नहीं आ, वो ये वाला नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे बे, वो जुबान केसरी, पता नहीं क्या वो क्या कर रहे हैं सब, उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें विमल के अंदर रिलायंस का क्लोथिंग ब्रांड, रिलायंस का क्लोथिंग ब्रांड आता है विमल करके, हम उस विमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जुबान केसरी वाला बात नहीं कर रहे, सर क्या लिखा है आपने, हमने लिखा है बेसिकली उन कंपनीज का नाम जिनका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज सेम 1975, सर एम बोले तो माइक्रोसॉफ्ट, सर एन बोले तो NTPC, एंड सी इज कोल इंडिया, और ये तो विमल खुद है ही, तो बेसिकली वी हैव दीज फोर कंपनीज हैविंग सेम ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज 1975, भाइयों एवं बहनों याद रहेगा, प्लीज टेल मी याद रहेगा, कुछ 80-85 ऑनलाइन है, लेट मी नो याद रहेगा, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एन फॉर NTPC, उसके बाद हमने लिखा है सी फॉर कोल इंडिया और विमल, MNC विमल का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेम है विच इज 1975, आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का, याद रहेगा चार कंपनी का आपको मैंने एक साथ याद करवाया, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन चार कंपनी का एक साथ याद करवाया, आर वी क्लियर, MNC विमल, मैसेज है मेरे पास बहुत सारे, ताने के बीच मैसेज सर, आई हैव डन ओनली टू चैप्टर्स इन इको टिल येट, हैवंट स्टार्टेड BCK, इट इज द ओनली चांस ऑफ पासिंग द एग्जाम, हाँ तानिया आप लेक्चर देखो, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको याद भी हो जाएगा, पास भी हो जाओगे तानिया, ठीक है, विमल इज बेसिकली, अरे वो सुना होगा ना क्लोथिंग ब्रांड, विमल क्लोथिंग आती है, रिलायंस का क्लोथिंग ब्रांड है विमल, ठीक है, टीना का मैसेज था,
ओके, हैव लॉट्स ऑफ मैसेज ऑलरेडी, यहाँ पे आते हैं। तो मैं बीच में उसको लिख देता हूँ एक बार, यहाँ बीच में एक बार लिख देता हूँ जो नीचे मैंने लिखा, NTPC एंड कोल इंडिया से दो लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपन करेंगे ग्लोबल कंपनीज के साथ, ठीक है, और विमल अलग से नहीं कर रहे अपन। 1975, तो आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा कि सर वी स्टार्टेड विथ 1952, देन 1956, देन 1959, फिर 1975। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट दो कंपनीज एंड वी आर डन विथ एवरीथिंग। इंडियन कंपनीज, 25 इंडियन कंपनीज का हेडक्वार्टर भी हो गया, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हो गया। सर क्या लिखेंगे गेल के यहाँ पे? एक इजी फिगर लिख रहा हूँ जो ऐसे याद हो जाएगा, 1984, और यहाँ से यहाँ करेंगे अपन +5। ऊपर +4 +3 करा था, ये रहा +4 +3, या +5 किया। तो मुझे बताओ पावर ग्रिड का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या आएगा? पावर ग्रिड का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या आएगा? वेट कर रहा हूं आपके मैसेज का, वेट कर रहा हूं आपके मैसेज का, जल्दी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। 1984 +5, ऐसा मैंने करके यहां पे कुछ लिखा हुआ है। गेटिंग राइट आंसर फ्रॉम हुसैन, अवधूत, विजय अय्यर, राशि, टीना, रितिका, गोविंद, आशी, विशाल, नेहा, ओम, ममता, माधवी, श्रेया, हिनिका, रुषि, तनिष, ताने, पहले इस पे फोकस कर लो प्लीज। मनीषा, माही, विपिन, लौकिक, सबका आंसर राइट है, विच इज 1989। हो गया, ये आपके सामने पूरी स्क्रीन सर, ये आपके सामने पूरी स्क्रीन, सारे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके सामने है, जो हमने अभी याद करें क्लास के अंदर एकदम आसान तरीके से। मैं क्या करूंगा, बिना देखे, ठीक है, बिना देखे हमने लेक्चर स्टार्ट किया ना, वहां से लेकर तक जो भी पढ़ा ना, सब एक सेकंड में रिकॉल करते हैं, ठीक है, मतलब जितना जल्दी उस वक्त रिकॉल करते हैं। मैं इसको स्क्रीन को हटा देता हूं, आप भी ट्राई करना मेरे साथ, आपको रिकॉल होता है कि नहीं होता, और अगर रिकॉल होता है तो बाद में वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, देख सुनना, स्टार्टिंग से 2 मिनट में सब कुछ बोल दूंगा। हेडक्वार्टर से स्टार्ट करते हैं सर। भारत एंड एशिया के बैंक्स को लूटा, रिलायंस एंड टाटा बोले सिप्ला, भारत पेट्रोलियम, एशियन पेंट्स, चारों बैंक, एक्सिस, SBI, HDFC, ICICI, लार्सन टुब्रो, रिलायंस, टाटा, सिप्ला, 10 कंपनीज, हेडक्वार्टर मुंबई। सर फिर बाजू में इंडियन ऑयल, एयरटेल, गेल, NTPC दिल्ली, फिर कोलकाता के अंदर कोल इंडिया एंड ITC, फिर बेंगलोर के अंदर विप्रो, इंफोसिस एंड फ्लिपकार्ट, फिर कोलकाता के अंदर कोल इंडिया एंड ITC बोला मैंने, आई गेस हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर डॉक्टर रेड्डी एंड अमेजोन, उसके बाद इजी वाले बोल दूँ अहमदाबाद अडानी, पुणे बजाज, फिर गुरुग्राम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, उत्तराखंड ONGC, और कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। फिर हम आ गए फटाक से ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर हमने बोला सर अमीर कंपनीज, स्टार्टेड विथ टाटा 1868, ITC 1910, L&T 1938, बाजू में रिलायंस 1973, फिर नीचे बैंक्स में आए, सबसे पुराना बैंक SBI 1806, बाजू में एक्सिस 1993, HDFC, ICICI 1994, फिर C3 हमने ऐसा कुछ स्टार्ट किया उसको, एशियन पेंट्स 1942, बाजू में बजाज 1945, बाजू में एयरटेल 1995, बाजू में अडानी 1998, फिर दवाई के ऊपर आए और ई कॉमर्स दोनों हमने साथ में करा था, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, इंफोसिस, 35, 45, 81, 84, ठीक है, एकदम आसान। फिर फ्यूल के ऊपर आए, बॉय और गर्ल पावर, बॉय के अंदर भारत पेट्रोलियम, ONGC, इंडियन ऑयल, सिर्फ एक साल याद करना है 1952 भारत पेट्रोलियम का, +4 +3 मतलब 1952, 1956, 1959, फिर MNC विमल 1975, एंड लास्ट में गर्ल पावर गेल, पावर ग्रिड गेल का 1984, पावर का 1989। 2 मिनट में सब कुछ बोल दिया, सारे हेडक्वार्टर्स एंड सारे के सारे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप भी एक बार और रीड करोगे ना, सिर्फ आप भी सब कुछ बोल सकते हो। मजा आया? आर वी सेटिस्फाइड? आर वी हैप्पी? आर वी मोर कॉन्फिडेंट? प्लीज लेट मी नो, मैं वेट कर रहा हूं, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं।
जल्दी, आर वी क्लियर? यस सर, आपके साथ बोल रहे हैं, थैंक यू, यही आपको करना चाहिए था। रितिका, यस सर, हो गया लर्न, वेरी गुड। आर वी क्लियर? आर वी कॉन्फिडेंट? आर वी हैप्पी? आर वी सेटिस्फाइड? प्लीज मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। वैसे मेरे पास गोविंद का, बिपिन का, आशी, आश्रह, रितिका, मनीषा, माधवी, मजा आ गया सर, ममता, नेहा, यस सर, हैकर भाई, हैकर बिपिन, थैंक यू, ओपी, आकाशा मैसेज है, माही, यस सर, अनंत, यस सर, 80-90% हो गया सर, वेरी गुड, 100% करना है सर, हेडक्वार्टर यार हो गया, हो जाएगा पूरा इनकॉर्पोरेशन ना, एक बार से रीड करना है, यस सर, थैंक यू सो मच, टीना का मैसेज है, काफ़ी सारा याद हो गया सर, विशाल का मैसेज है, सलाम सर, मान गए आपको, थैंक यू सर, लव यू सर, थैंक यू तनिष, ठीक है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को एक बार रीड करना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा, वो 90% से 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, 90% से 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बार आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैसेज मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे, सर यू आर जस्ट लाइक अ मिराकल, थैंक यू रितिका, थैंक यू सो मच, क्लियर 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 करके मैसेज आ रहे हैं, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, जल्दी से, रितिका थैंक यू, डूबती कश्ती को सहारा दे दिया, थैंक यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडियन कंपनीज हो गई, मैं फटाक से मूव कर जाऊंगा ग्लोबल कंपनीज के ऊपर, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते हुए, आई विल फटाक से मूव ओवर टू ग्लोबल कंपनीज, कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ग्लोबल कंपनीज मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, ग्लोबल कंपनीज मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, देख स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, सुन, आई स्टार्ट विद हेडक्वार्टर्स, आई विल स्टार्ट विथ हेडक्वार्टर्स, कहाँ इसका लिस्ट, ये रहा, देख आपके सामने ग्लोबल कंपनीज की मैंने लिस्ट ओपन करी, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, जितनी आपके यहाँ पे कंपनीज दिख रही है, इसमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो फाइनेंस के अंदर है, फाइनेंस के अंदर नाम दिख रहा हो आपको, अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, गोल्डमैन सैक्स, एचपी, हियलेट पैकार्ड, ठीक है, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, वॉलमार्ट, आप मुझे बताओ कौन सी कंपनीज आपको, दो कंपनी मिलेगी, दो कौन सी, दो कंपनीज है यहाँ पे विच इज इन टू फाइनेंस, सर मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वैसे यूएसए के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है, यूएसए के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी सिटी है, टेल मी द सिटी विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दो फाइनेंसी कंपनीज जो आपको यहां पे दिखेगी, मैंने आपको नाम बताया न्यूयॉर्क, जो आई थिंक सभी अग्री करेंगे कि हाँ सर, जैसे इंडिया के अंदर मुंबई है फाइनेंशियल कैपिटल, यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क है, तो फाइनेंस वाली कौन सी दो कंपनीज जो पैसे में डील करती है, पैसे में, आई थिंक आपका आंसर राइट आना चाहिए था, एक मैं रीड कर लेता हूं आपके मैसेजेस, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड गोल्डमैन सैक्स, डू यू अग्री, ये दो कंपनीज ऐसी है विच इज इन टू फाइनेंस, विच इज इन टू फाइनेंस, मैं आईबीएम की बात नहीं कर रहा अभी, आईबीएम की बात बाद में करेंगे, पहले इन दो का बात कर रहे हैं अपन जो फाइनेंशियल मैटर्स में डील कर रही है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स और अमेरिकन एक्सप्रेस, और मैं फाइनेंस पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज न्यूयॉर्क इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ यूएसए, आसान, देख नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेस्ले की बात करें, नेस्ले सर, नेस्ले के चॉकलेट के अंदर किटकैट की बात करते हैं, द टेस्ट ऑफ द चॉकलेट इज स्वीट, स्वीट से याद कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, देखो आपस में लिख के बताता हूं, नेस्ले चॉकलेट इज स्वीट, स्वीट से SWIT, स्विट्जरलैंड, हो गया सर, एक और हेडक्वार्टर याद, नेस्ले चॉकलेट, चॉकलेट स्वीट, स्वीट से स्विट्जरलैंड, आसान आसान, वेटिंग फॉर द मैसेज, ठीक है, आईबीएम में बाद में ज्वाइन कर दूंगा, आईबीएम को साइड में रखो, आसान, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है आपसे, चल मैं आईबीएम को भी ज्वाइन कर देता हूं,
क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुनना मेरा प्लीज, क्वेश्चन सुनना सर। तीन कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी, मिलेगी यहां पर लिस्ट में, तीन कंपनी ऐसी मिलेगी विच इज इनटू हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो लैपटॉप बनाता है, माउस बनाता है, कीबोर्ड बनाता है। आप मुझे ऐसी तीन कंपनी बताओ विच इज इनटू मेकिंग हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट इज इनटू सॉफ्टवेयर, मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूं, जो लैपटॉप बनाता है, कीबोर्ड माउस बनाता है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो हमसे? बिकॉज यूएसए के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली विच इज इन कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली विच इज इनटू कैलिफोर्निया। जैसे इंडिया के अंदर आईटी हब है बैंगलोर, वैसे यूएसए के अंदर आईटी हब है सिलिकॉन वैली विच इज इन कैलिफोर्निया। तो आईटी वाली कंपनी पूछ रहा हूँ जो बेसिकली हार्डवेयर बनाती है, कैन यू टेल मी विच कंपनीज आर इनटू हार्डवेयर? क्योंकि उन कंपनी का हेडक्वार्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैलिफोर्निया, उन कंपनीज का हेडक्वार्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैलिफोर्निया। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे राइट आंसर आ गए फ्रॉम साई, लौकिक, जैनिल, रिया, अवधूत, बिपिन, हुसैन, हिनिका, श्रेया, ऋषि, अनंत, अवधूत। नाइस, वेरी गुड, फोकस यहां पे। एप्पल, एचपी, इंटेल। तीनों का हेडक्वार्टर क्या सर? कैलिफोर्निया। और याद करना कितना आसान सर, जैसे बैंगलोर इज आईटी हब ऑफ इंडिया, वैसा यूएसए के अंदर आईटी हब इज सिलिकॉन वैली। सबने नाम सुना होगा सिलिकॉन वैली, एंड विद सिलिकॉन वैली इज इन कैलिफोर्निया। तो आईटी जो कंपनी दिखी मुझे हार्डवेयर वाली स्पेशली, उनको मैंने हेडक्वार्टर डाल दिया कैलिफोर्निया, विच इज एचपी, इंटेल एंड एप्पल। आसान भाई आसान, एकदम आसान, नॉट इवन 2 मिनट्स, आसान। बचा क्या सर, बचा क्या? माइक्रोसॉफ्ट। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपको जो दिख रहा है ना एम, ये एम, इसको अगर मैं वाटर इमेज देखूं, वाटर इमेज, या मैं इसको उल्टा कर दूं तो एम विल बिकम विच लेटर? क्वेश्चन सुना आपने? माइक्रोसॉफ्ट का जो एम है, उस एम को अगर मैं उल्टा कर दूं, उसको मैं पानी में देखूं, तो कौन से लेटर, कौन से अल्फाबेट की तरह दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट का एम? ये आपको मुझे मैसेज करके बताना है। आई नो इट इज ईजी, आपको टाइप करना पड़ेगा जिससे आपको याद हो जाए। साई का मैसेज मेरे पास डब्ल्यू करके, विच इज अ गुड आंसर आई वुड से। लॉकी का मैसेज है डब्ल्यू, ठीक है, टाइप करना पड़ेगा तभी याद होगा। विजय अय्यर का मैसेज है, टीना का मैसेज है, जैनिल का मैसेज है, माधवी, गोविंद राजपूत, बिपिन सोनी, ऋतिका, अनंत, आशी, विशाल, ओके, मनीषा, सी ए साहब, रिया, हिनिका, ओके, लॉट्स ऑफ मैसेज, बरखा वरखा, ओके, लॉट्स ऑफ मैसेजेस, राशि, अवधू, ध्रुवी, ठीक है। द आंसर इज डब्ल्यू ऑब्वियसली, एंड द प्लेस इज वॉशिंगटन। अमेजॉन भी वही, नाइन्टी परसेंट हो गया सर। रिकॉल करें एक बार सर, फाइनेंशियल कैपिटल यूएसए का न्यूयॉर्क है, तो फाइनेंस के अंदर जो कंपनीज है उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही होगा। सर कौन सी दो कंपनीज है? एक तो गोल्डमैन सैक्स दिखी हमको, और एक दिखा हमको अमेरिकन एक्सप्रेस, और उसके अलावा एक आईबीएम भी डाल दिया हमने, तो ये चला गया न्यूयॉर्क के अंदर। सर फिर हमने देखा कि चॉकलेट, नेस्ले चॉकलेट स्वीट होती है, स्वीट से स्विट्जरलैंड, वो भी हो गया। सर फिर हमने देखा कि कौन सी कंपनी हार्डवेयर बनाती है, लैपटॉप वैपटॉप, बिकॉज जैसे इंडिया में बैंगलोर है आईटी हब, वैसे फॉरेन में सिलिकॉन वैली विच इज इन कैलिफोर्निया। तो हमने नोटिस करा सर एचपी है, इंटेल है और एप्पल है, तो उन सबका हेडक्वार्टर हो गया कैलिफोर्निया। फिर हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट का एम, उसका उल्टा करूँ तो डब्ल्यू होता है वॉशिंगटन, अमेजॉन भी वॉशिंगटन। कितना आसान भाई, कितना आसान। अल्टीमेटली बचा सिर्फ एक मेरे पास, विच इज वॉलमार्ट। अब जैसे इंडिया में अपने पास डी मार्ट है ना, डी मार्ट, वैसे यूएस में इट इज वॉलमार्ट, ठीक है। सैम वॉल्टन ने उसको फाइंड करा था, फाउंडर बेसिकली। एंड डी मार्ट में, वॉलमार्ट में जनरली कौन जाता है? सास बहू जाती है, सास बहू, सास बहू फ्री होती है, दोपहर करने पे चली जाती है शॉपिंग करने। सब सास बहू क्यों बोल रहे हो? बिकॉज द नेम ऑफ द प्लेस इज लाइक दिस, अर्कन सास। यूएसए के अंदर इट इज अर्कन सास। मेरा फोकस था सास के ऊपर, ठीक है।
अरकनसास, वापस से सर डी मार्ट जैसा इंडिया में है वैसा यूएस में वॉलमार्ट है। अब जनरली वॉलमार्ट में, इस डी मार्ट में कौन जाएगा? सास बहू जाएगी। तो सास से अरकनसास वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर हो गया सर। ऋषि वेलकम टू दैट, चिल। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? मजा आया। हैदराबाद में उसका इंडियन हेडक्वार्टर है, ये जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द मेन हेडक्वार्टर, फर्क है ना। अमेजोन के अंदर वॉशिंगटन इज द मेन हेडक्वार्टर, इंडिया तो इंडिया का ऑपरेशन हेडक्वार्टर हुआ, इज अ डिफरेंस ना पागल। तनिष और रीतिका, रूशी, आर वी, आई होप वी आर क्लियर। ठीक है, जो हम हैदराबाद वाला बोल रहे हैं वो तो इंडिया का हेडक्वार्टर हो गया, ये तो मेन कंपनी का हेडक्वार्टर है ना, मेन कंपनी का। आसान, ग्लोबल कंपनी बहुत इजी। साई बोलते हैं सास और बहू साथ में नहीं जाएगी, साई भैया को बहुत एक्सपीरियंस लगता है, सास बहू साथ में जाएगी, पागल, पढ़ाई कर। आर वी क्लियर? ग्लोबल कंपनीज का हेडक्वार्टर इज लाइक वेरी इजी, टट्टी टू बी ऑनेस्ट, वेरी इजी, वेरी आसान। ओके, गिव मी थम्स अप। बेशर्मो लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दो, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। कमेंट तो तुम लोग करते ही नहीं हो, लाइक एंड कमेंट इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। इन केस आपको याद हुआ, समझ में आया, मज़ा आया तो लाइक एंड कमेंट इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, बचा क्या सर घूम फिर के? सिर्फ एक चीज़ बची सर। सर क्या? ग्लोबल कंपनी, जो छोटी मोटी ग्लोबल कंपनी दिख रही है आपको इतनी सी, उनका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है, तो हम फटाक से उस पर जाएंगे। सरप्राइजिंगली इजी था सर, ये क्या पढ़ाया आपने। विशाल थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट सर। आप करोगे तो वैसे भी सब आसान लगता है। रितिका थैंक यू। आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट बचा अपना विच इज ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल कंपनीज, जो बहुत आसान है। 96 लाइक्स, 86 वॉचिंग है क्या? जेनिल वॉच वॉचिंग वर 110 सर, 97 लाइक्स हो गया, मोर 3 लाइक्स, हाँ 3-4 लाइक बचे, 96 95 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, वॉट एवर, यहाँ पे फोकस करते हैं। सुनना, यहाँ जगह मेरे पास, यहाँ जगह है, वेरी इजी है। सुनना, आंसर देना पड़ेगा आपको। एचपी के अंदर ये जो पी है, पी इसको अगर मैं मिरर में देखूं, मिरर में तो कौन से नंबर की तरह दिखेगा? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन। एचपी जो अपना कंपनी है, ह्यूलेट पैकार्ड, उस पी को अगर मैं मिरर में देखूं तो वो कैसा दिखेगा? हाँ रितिका, ज्यादातर हेडक्वार्टर सर वही पूछते हैं। लेट मी नो, मैं वेट कर रहा हूं, आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं फटाक से सारे के सारे। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जल्दी। एचपी के पी को, विच इज अल्फाबेट, उसको मैं अगर मिरर में देखूं तो वो कैसा दिखेगा? मैसेज आया मेरे पास 9 करके, 6 नहीं रे पागल, 9 जैसे दिखेगा ना, इट हैज टू बी 9। ठीक है, पी उल्टा 9 दिखेगा। सर आपने ऐसा क्यों बोला? हमने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज द ईयर इज 1939, 1939। ठीक है, पी पी को हमने सिर्फ उल्टा कर दिया तो 1939 हो गया। ठीक है, एक बार में याद होता है सर, एक बार में याद होता है सर। व्हाट नेक्स्ट? आईबीएम, हमने आईटीसी में करा था सर। आईबीएम का आई लुक्स लाइक 1, 19 तो कॉमन ही है सर, 1 1। दो आसान करे, एचपी का पी था, पी को उल्टा करा, 9 हो गया, 1939। आईबीएम लिखा मैंने, आई इज 1 1911, एकदम आसान, एकदम मतलब एकदम आसान। फिर आगे सर, हमने एक और कंपनी करी थी, आपको याद आ रहा हो तो मुझे आप बताओगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। हमने एक कंपनी गई थी माइक्रोसॉफ्ट, आप मुझे याद करके बताओ माइक्रोसॉफ्ट का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था। मैं नहीं बता रहा, आप याद करके मुझे बताओगे माइक्रोसॉफ्ट का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था। डू यू रिमेंबर? इफ येस लेट मी नो, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं। जल्दी, अगर आपको याद है तो माइक्रोसॉफ्ट का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस।
गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम विजय, राइट आंसर. रितिका, रिया, मीत, बहुत अच्छी बात है आपको याद है तो. गोविंद, रॉन्ग आंसर. 1989 तो था पावर ग्रिड का. माही, राइट आंसर. बिपिन, राइट आंसर. आश्रह, राइट आंसर. साई कामली, राइट आंसर. वेरी गुड. हिनी का राइट आंसर. सी ए साहब, राइट आंसर. रूशी, आशी, ममता, जैनिल, अवधूत, सबके आंसर राइट आ रहे हैं. वाओ, 1975. नाउ सुनना, तो बिल गेट्स जो हैं वो 1975 के अंदर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लेकर आ गए. अब ये चीज देख रहे हैं स्टीव जॉब्स, उस टाइम पे ये चीज देख रहे हैं स्टीव जॉब्स. उनको ऐसा लगा कि उन्हें भी लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहिए, उन्हें भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए. तो वो एक साल तो वेट करते हैं 1975 के बाद, एक साल तो वेट करते हैं, और उसके अगले साल ही कम्स आउट विथ एप्पल. मतलब सर एप्पल का ईयर हो गया 1977. मैं रिकॉल करवा था आपको, मैं क्या बोला वापस, एमएनसी विमल से 1975 तो याद है, माइक्रोसॉफ्ट 1975. माइक्रोसॉफ्ट के आ जाने के बाद स्टीव जॉब्स को लगा कि उन्हें भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए. तो उन्होंने एक साल तो रिसर्च करा, सब करा, एंड एक साल के बाद ही केम आउट विथ हिज ओन कंपनी विच इज एप्पल. तो एप्पल का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया 1977. तो माइक्रोसॉफ्ट 1975, एप्पल 1977. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? एचपी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, चार कंपनीज हो गई सर. आर वी क्लियर? रितिका, रितिका का मैसेज मेरे पास, आंसर ऑलरेडी, नाइस. अगला सुना, अगला आसान है. इंटेल, वॉलमार्ट, गोल्डमैन, शैक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस भी लिख देता हूं. फोकस करना, एकदम आसान, एक बार मैं याद करा दूंगा. अमेरिकन एक्सप्रेस का तो बहुत इजी है, मतलब फिगर ही इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं. पुरानी कंपनी है 1850, पुरानी कंपनी, इजी फिगर 1850. आगे फोकस करना. इंटेल के अंदर मैं आपको बोलता हूं 1968, यहां से यहां पे प्लस 1 और यहां से यहां पे माइनस 100. सर मतलब 1869. वापस करता हूं मैं, बहुत आसान लगा होगा आपको होपफुली. इंटेल याद करा 1968, प्लस 1 वॉलमार्ट 1969, माइनस 100 गोल्डमैन सैक्स विच इज 1869. और याद करना कितना आसान है, जो जो फाइनेंशियल कंपनीज है ना, उन दोनों पुरानी कंपनीज है, 18 वाली 1850 और 1869, उस तरह से भी याद कर सकते हो. तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. सिर्फ दो कंपनी थी अपने पास, एक बच्चा नेस्ले, और कौन सा बच्चा नेस्ले के अलावा, और कौन सा बच्चा, शायद नेस्ले ही बचा, आई डोंट नो, शायद नेस्ले ही बचा सर. नेस्ले अगेन पुराना कंपनी है, मतलब स्टार्टिंग में तो 18 ही आएगा, एंड आगे क्या है सर, आगे इट इज 1866. ठीक है, 1866. मैं देखने पर कोई कंपनी बची या नहीं बची, मेरे हिसाब से तो नहीं बची यार. अमेजॉन शायद बची है ना, 94 वाला, आई गेस अमेजॉन बची है शायद सिर्फ. देखो एक बार, हाँ अमेजॉन बचा था 94, बस बाकी सब हो गया. ये आपके सामने, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से. मैं वेट कर रहा हूँ. ग्लोबल कंपनीज सारी हो गई, ये उसका समरी हो गया जो मैंने आपको बस सिखाया अभी अभी, और आपको इससे एक बार में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, एक बार में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है. IBM 1911, HP 1939, Nestle 1866, Microsoft, Apple 1975, 1977 respectively, Amazon एक तो USA में और एक इंडिया में कब आया, तो लिखा हमने यहाँ पे 1994 एंड 2012-13. फिर हमने बताया आपको Intel 1968, प्लस 1 करा हमने वॉलमार्ट आगे 1969, माइनस 100 करा हमने गोल्डमैन सैक्स आगे 1869, और अमेरिकन एक्सप्रेस तो वैसे बहुत इजी है 1850.
फ्लिपकार्ट 2007। आर वी क्लियर, मजा आया। ग्लोबल कंपनीज, इंडियन कंपनीज, हेडक्वार्टर भी हो गया, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हो गया। आर वी क्लियर, मैसेज मी, मैं वेट कर रहा हूं। समझ में आ गया सब कुछ, याद हो गया सब कुछ, हमने मोर देन 50% चैप्टर खत्म कर लिया सर। वेटिंग आपके मैसेज का, समझ के याद करके हो गया तो मुझे बताइए। फिर हम बिना देखे बोलेंगे एज यूजुअल। पहले आपका मैसेज एक बार आ जाए मुझे। सर वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर क्या था? अरकनसास, यूएसए था। विपिन, इन केस यू मिस्ड आउट। ममता, माधवी, आश्रह, सीए साहब, गोविंद, आशिका, मेरे पास मैसेज आ चुका है ऑलरेडी, यस सर थम्स अप करके। रिया का आ गया, थैंक यू। माही 80% हो गया, माही 80 नहीं 100% करना है। और रेनिका का आ गया सर क्लियर। रितिका, सर वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर क्या है? अरकनसास ना, डिस्कस तो किया हमने, अरकनसास यूएसए। गीता, यस सर। ऋषि, हो गया सर, डन डन डन, जल्दी से। तो हम एक महारिविजन करें, 5 मिनट के अंदर महारिविजन हो जाएगा, बड़ा वाला, 5 मिनट के अंदर। आप भी मेरे साथ ही बोलोगे, बिना देखे बोलोगे, जितना 80-90% हो पाता है उतना अच्छा है। अभी ऑब्वियसली एक बार खुद करना पड़ेगा तो 100% होगा। बिना देखे बोलते हैं, ठीक है? सब कुछ जो हमने पढ़ा ना, सब कुछ याद करते हैं। सुनना, फोकस करना, जो सीक्वेंस पढ़ा वो सीक्वेंस में बोलूंगा। आप मेरे साथ साथ बोलते रहना, मन में या चिल्ला चिल्ला के, जो भी आपकी मर्जी, बट अल्टीमेटली 80-90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्टार्ट करें सर, हम सीधा बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? सीधा बोलूंगा। मुंबई की बात करें, मुंबई में हेडक्वार्टर कौन सा है? भारत पेट्रोलियम, एशियन पेंट्स, चारों बैंक, SBI, एक्सिस, SDFC, ICICI, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, टाटा, सिप्ला। डन। दिल्ली के अंदर क्या है सर? इंडियन ऑयल है, एयरटेल है, गेल है, NTPC है। कोलकाता में क्या है सर? कोल इंडिया है, ITC है। हैदराबाद में क्या है सर? डॉक्टर रेड्डी है, अमेजोन है। बैंगलोर में क्या है सर? इन्फोसिस है, विप्रो है, एंड बैंगलोर के अंदर फ्लिपकार्ट है। एंड उसके अलावा गुरुग्राम के अंदर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, उत्तराखंड के अंदर ONGC है, बजाज पुणे है, अडानी अहमदाबाद है। आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया, आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया। इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग लेट मी नो, मुझे नहीं लगता कुछ मिस करा मैंने। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। हमारे सीक्वेंस में टाटा 1868, ITC 1910, L&T 1938, रिलायंस 1973। उसके बाद बैंक्स की बात करें, SBI 1806, एक्सिस 1993, HDFC, ICICI 1994। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, एशियन पेंट्स 1942, बजाज 1945, एयरटेल 1995, अडानी 1998। फिर उसके बाद हम उस पे दवाई पे, ई कॉमर्स के ऊपर जाते हैं। सिप्ला से स्टार्ट करेंगे, सिप्ला 1935, सिप्ला के एग्जैक्ट नीचे विप्रो है 1945, उसके एग्जैक्ट बाजू में है इन्फोसिस 1981, और उसके ऊपर है डॉक्टर रेड्डी 1984। फिर और नीचे जाते हैं बॉय और गर्ल पावर के ऊपर। भारत पेट्रोलियम से स्टार्ट करते हैं, 1952 प्लस 4 ONGC 1956 प्लस 3 इंडियन ऑयल 1959। फिर MNC विमल बॉस 1975। फिर उसके नीचे आए थे हम लोग गर्ल पावर, गेल 1984 एंड पावर ग्रिड 1989। इंडियन कंपनीज पूरा खत्म। ग्लोबल कंपनीज पे आते हैं, हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल इज न्यूयॉर्क, फाइनेंस वाली कंपनी दो है अपने पास, गोल्डमैन सैक्स थी अपने पास और अमेरिकन एक्सप्रेस थी। IBM को भी अपने जोड़ दिया था, न्यूयॉर्क खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे IT हब ऑफ USA, सिलिकॉन वैली, बेसिकली कैलिफोर्निया। तो हार्डवेयर वाली कंपनीज, SP था, इंटेल था, एप्पल था, 6 कंपनीज हो गई। नेस्ले चॉकलेट स्वीट, स्विट्जरलैंड, एक और 7 कंपनी हो गई। वॉलमार्ट, डीमार्ट जैसा, सास बहू जाते हैं, अरकनसास। माइक्रोसॉफ्ट, एम उल्टा करे W हो गया, वॉशिंगटन। तो माइक्रोसॉफ्ट वॉशिंगटन, साथ में ऊपर अमेजोन भी वॉशिंगटन, सारे हेडक्वार्टर्स हो गए। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, HP 1939, IBM 1911, माइक्रोसॉफ्ट 1975, एप्पल 1977, नेस्ले 1866। फिर वो सीक्वेंस, इंटेल 1968, वॉलमार्ट प्लस 1 1969, गोल्डमैन सैक्स -100 1869, अमेरिकन एक्सप्रेस 1850, फ्लिपकार्ट 207, अमेजॉन इंडिया में आया 12-13 के अंदर, खुद के वहां पे पैदा हुआ 1994 के अंदर। हो गया, 2 मिनट लगे सर।
2 मिनट लगे सर, सारे हेडक्वार्टर्स खत्म कर दिए मैंने, सारे ईयर ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म कर दिए मैंने, एंड ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको 1.5 घंटे के अंदर ये सब कुछ याद हो गया होगा। बहुत बड़ा काम किया है अपन ने, लेट मी टेल यू, अक्रॉस इंडिया आपके जो भी दोस्त हैं जो ये लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, उनको चैप्टर नंबर 3 से डर लगता है, उनको चैप्टर नंबर 3 से फोबिया है, आपको भी चैप्टर 3 से डर लगता होगा, फोबिया होगा, अगर आपने आज के लेक्चर से पहले मुझे नहीं सुना होगा तो। उसको हमने खत्म कर दिया 1.5 आवर्स इट टुक बेसिकली। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं सर BCK में स्कोर कर सकते हैं हम लोग, 75, 80, 85 भी स्कोर कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज लिसन टू माई लेक्चर केयरफुली एंड इंटरेक्ट विथ मी एंड आई कैन गारंटी यू आराम से 80 मार्क्स। ठीक है, होप क्लियर एंड मज़ा आया होगा, होप क्लियर एंड मज़ा आया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली हमने, होप इट इज क्लियर। हाँ मैं ब्रेक दूंगा, आई विल गिव द ब्रेक बाबा, 100% ब्रेक दूंगा, ऑल दो ब्रेक के बाद बच्चे भाग जाते हैं, अभी 80 बच्चे हैं, ब्रेक के बाद बच्चे कम हो जाएंगे, मैं फिर भी ब्रेक दूंगा। बट यहां तक समझ में आया उसका मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके थम्स अप से। लाइक कमेंट थम्स अप, मजा आया, लाइक कमेंट थम्स अप। फोबिया डिलीट हो गया सर, यस ऋषि वही हमारी इच्छा थी। आई गिव यू द ब्रेक ऑब्वियसली। ठीक है डन, क्योंकि हमने बहुत हैवी पढ़ा तो ऑब्वियसली ब्रेक चाहिएगा। सर हाउ, मतलब इतना सब कुछ कैसे? विपिन आपको भी हो जाएगा, इट इज़ वेरी इजी, ऑल यू नीड इज डिटर्मिनेशन फोकस, दैट्स इट, बहुत आसान है याद करना। राशि सर तुसी ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। देख 80 लोग हैं, ब्रेक के बाद मुझे, मैं ब्रेक तभी दूंगा जब मुझे ब्रेक के बाद वापस 80-80 लोग दिखेंगे। कोई भागा ना, भगवान सब देख रहा है। ठीक है, भगवान सब देख रहा है, अभी 80 हैं, ब्रेक के बाद भी 80 ही होने चाहिए। आप लोग भाग जाते हैं इसलिए मैं ब्रेक नहीं देता हूँ, बेशर्मो। ऋतिक ऐसा फर्स्ट टाइम BCK इतना अच्छे समझ में आया, ऋतिक अभी तो सिर्फ शुरू करा है हमने, अभी आगे आगे देखो हम कितना अच्छा और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद 81 लोग हैं, ब्रेक के बाद मुझे वापस 81 ही चाहिए, कोई भागेगा नहीं, कोई मैच देखने नहीं जाएगा। ठीक है, उसी शर्त में मैं ब्रेक दे रहा हूँ, अगर आप ब्रेक के बाद नहीं आए पाप लगेगा। ठीक है, भगवान सब देख रहा है, पाप लगेगा, पाप। सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक, मैं भी चाय पी के आ जाता हूँ। ठीक है, मैं जयपुर से, मेरी फ़्लाइट थी आज मुंबई की, आई वॉज इन जयपुर, जयपुर से मेरी फ़्लाइट थी, यहाँ पे मैं पहुँचा 5:30 बजे मुंबई, और 7:30 बजे आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, स्टिल आई एम टेकिंग द लेक्चर बिकॉज आप प्रायोरिटी हो हमारी। ठीक है, एडनोविट क्लासेस, विश्वनाथ शर्मा, आप यू आर द प्रायोरिटी। मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ सुबह से, थका हुआ हूँ, फिर भी लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक ले रहे हैं हम अराउंड 10-11 मिनट्स का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है, पानी वानी पी लो, मैच वैच देख लो, पर एग्जैक्ट 10-11 मिनट बाद मुझे मिल जाना, भागना मत। ठीक है, मिलते हैं, ब्रेक।
स्टार्ट करें। अजूब का मैसेज है, यस सर लेट्स स्टार्ट, वेटिंग फॉर अदर्स। 56 दिख रहे हैं मुझे, मैं ब्रेक में देख रहा था अभी। मैच काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाला। आर वी गुड टू गो अनंत? यस सर स्टार्ट। 58 लोग हैं ऑनलाइन, 81 थे बिफोर द ब्रेक, 20 लोग गायब हैं, 59। बेशर्म इसलिए मैं ब्रेक नहीं देता, कल से मैं ब्रेक नहीं दूंगा। बिफोर टाइम हम आ गए सर, विशाल वेरी गुड, ये डेडिकेशन चाहिए टू बी ऑनेस्ट सीए पास करने के लिए। अनंत आर वी रेडी सर? जितना तो इंडिया ने है जो भी कर ले। हाँ यार इंडिया जीतना चाहिए, होपफुली मजा आ जाएगा उस दिन। मैं फटाके फोड़ूंगा, ठीक है? मैं दिवाली पे फटाके नहीं फोड़े, इंडिया मैच जीत गया तो मैं फटाके फोड़ूंगा फॉर श्योर। माही का मैसेज है, यस सर आ गई मैं। ओके 62 लोग आ गए, 18-20 लोग कम है। हम लोग वेट नहीं कर रहे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने अब तक जो पढ़ा इट वॉज क्वाइट हैवी, आई अंडरस्टैंड इट वॉज क्वाइट हैवी। तो हम अभी चैप्टर नंबर 3 को साइड में रख रहे हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 भी और नहीं कर रहे, नहीं तो बहुत और हैवी हो जाएगा। अभी हम कुछ लाइट पढ़ते हैं, लाइट ऐसा कुछ जो 10:30 तक खत्म हो जाए। चैप्टर नंबर 4 निकालो प्लीज, 4 नॉट 5, 4। 4 इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। रिया वेलकम बैक, थैंक यू। आश्रह का मैसेज है, आश्रह सैयद का, यस सर आई एम हियर, थैंक यू। 65 लोग हैं, 15 लोग मिसिंग है, 15 लोग लापता हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। जो लोग आ चुके हैं, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4, प्लीज जल्दी से चैप्टर नंबर 4 निकालो। हम इसको 10:30 तक वाइंड अप कर देंगे, 1 घंटे के अंदर मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 कि आपको याद हो जाएगा। आप एडनोवेट की नोट भी साथ में ओपन रख सकते हो, ठीक है? उसमें वही सब मार्क करा है मैंने जो इंपॉर्टेंट है, और वही आपको नोट्स मैंने बहुत मेहनत करके बना के आपको दिया हुआ है। तो आप एडनोवेट की नोट्स भी ओपन कर सकते हो और मॉड्यूल भी ओपन कर सकते हो, इट इज योर मर्जी, योर कॉल। 67 लोग आ चुके हैं, तो कुछ 13 लोग मिसिंग है, 13 आर मिसिंग। नेवर माइंड, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक्स भी 102 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है? एक्सपेक्टिंग आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? वीडियो के ऊपर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा कमेंट मत करना, जैसा लगा वैसा कमेंट करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, मैं आपके सारे कमेंट रीड करूंगा, आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा, लाइक करूंगा। आई वॉन्ट कमेंट्स, ठीक है, आप लोगों के ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। और भी थोड़ा सा है जो हम कल कवर करेंगे, ठीक है? पूरा चैप्टर 3 साथ में नहीं कर रहे बिकॉज फिर बहुत हैवी हो जाएगा, हमें ऑलरेडी बहुत हैवी कर लिया है। तो आई वॉन्ट टू कीप द थिंग्स लाइट, एफिशिएंटली पढ़ाई करना है, इफेक्टिवली पढ़ाई करना है, ठीक है? तो बहुत स्ट्रैटेजिकली हम बचा हुआ चैप्टर नंबर 3 कल खत्म कर देंगे। फिलहाल व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इस चैप्टर नंबर 4 जो भी स्टार्ट होगा और 10:30 से पहले खत्म भी हो जाएगा, मेरी गारंटी, ठीक है? आओ स्टार्ट करें सर। एग्जाम में रैंक पूछा था क्या कभी इन एनी अटेम्प्ट्स? हाँ रिया, मैं रैंक भी करवा दूंगा। आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, आई एम वेरी मच श्योर, आपका चैप्टर नंबर 3 अपडेट हो चुका है। मैं आपको अपडेटेड पढ़ाऊंगा, मैं दिखाऊं आपको, देख मैंने ब्राउजर ओपन किया, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत लोगों को जो मेरा लेक्चर नहीं देख रहे, जो नहीं पढ़ रहे मुझसे, उनको शायद आइडिया भी नहीं होगा, उनके क्लासेस में बताया भी नहीं होगा ये सब बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनना, आई शो यू कि ये लेक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, यू विल रियलाइज। मैंने ओपन करा आईसीए का वेबसाइट, इसके अंदर या मैं रुकना सर्च ही करता हूँ, या स्टूडेंट जर्नल मुझे दिख गया, स्टूडेंट जर्नल, उसके अंदर नवंबर, अक्टूबर 23, आपका स्टूडेंट जर्नल का अक्टूबर 23 का जो पब्लिशिंग है उसको ओपन कर रहा हूँ मैं। ये रहा अक्टूबर 23 का जर्नल, इसके अंदर
ये देख, बीसी के सितंबर 3 पूरा अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करे तो मैं इसको, पूरा अपडेटेड वर्जन है ये। तो अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे, इन दैट केस यू आर मिसिंग आउट, यू आर मिसिंग आउट। आई एम वेरी मच श्योर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, 71 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वी वर आई गेस 80 बिफोर द ब्रेक, अभी 71 है, ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि सर वी आर अपडेटेड विथ लेटेस्ट रैंक्स, वी आर अपडेटेड विथ लेटेस्ट सीईओ, चेयरमैन, एमडी, सीईओ। मैं आपको ये सब भी कराऊंगा, अपडेटेड लेटेस्ट जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ये हम करेंगे कल, आपको पूरा याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये जो रैंकिंग्स है ना, रिया ने मैसेज करा, मुझे याद आया, ये रैंकिंग्स दिख रही है आपको, अमेजोन की रैंक, एप्पल की रैंक, वॉलमार्ट की रैंक, ये सब मैं आपको कल कल के लेक्चर में याद करवाऊंगा, तो अपडेटेड याद करेंगे, ठीक है। ये देख 2023 का डेटा, कैन यू सी दिस 2023 का डेटा, तो आपको एकदम अपडेटेड पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मैनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग, राशि का मैसेज है सर मालूम था, रिया का मैसेज है मालूम था, अदर्स माइट नॉट बी नोइंग, ठीक है। तो ये भी हम कवर करेंगे कल के लेक्चर में, फिलहाल मैं चैप्टर नंबर 3 को और नहीं खींच रहा, इनफ फॉर टुडे फॉर चैप्टर नंबर 3, वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 4। 75 लोग आ चुके हैं, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं सर। मैंने कुछ मार्क कर रखा है, आई वॉन्ट यू टू मार्क दिस, जो भी मुझे एमसीक्यू लगेगा, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है या फिर आ सकता है, उसको मैंने मार्क कर रखा है, तो आप प्लीज़ उसको मार्क करना मेरे साथ साथ, स्टार्ट कर दो। आदित्य बोलता है सर 100 लाइक्स डन, या 103 लाइक्स हैं, आई जस्ट नाउ वेट फॉर द कमेंट्स, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो, ठीक है, ऑनेस्ट कमेंट्स होने चाहिए, आपको लेक्चर अच्छा लगा, मज़ा आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, लाइक करूंगा, ठीक है, मैं आपको आपके कमेंट्स को लाइक करूंगा, तो कमेंट करना प्लीज़, आई वुड वेट, ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। फिलहाल स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 4, जो मैंने मार्क कर रखा है उसको प्लीज़ एक बार मार्क कर लीजिए, ये वो है जो एमसीक्यू ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं या मुझे लगता है आ सकते हैं। इंडिपेंडेंस 1947 में, आई थिंक सबको पता, उसको मार्क नहीं करा मैंने। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 के अंदर, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम इन 1948। उसके बाद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन 1951। आदित्य बाद में कमेंट कर सकते हो, अभी नहीं, बाद में कमेंट कर पाएंगे, लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट कर पाएंगे, अभी नहीं, अभी तो ऑब्वियसली ऑफ होगा। तो दो मैंने एमसीक्यू मार्क कर रखे हैं, फर्स्ट इनिशियल पॉलिसी 1948, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, पेज नंबर मेरी बुक में इट इज 4.3। सर लेकिन मॉड्यूल के आंसर कंसिडर करेंगे या जो अपडेटेड है वो? अनंत ऑब्वियसली अपडेटेड कवर करना है अपन को, अपडेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो 4.3 के अंदर मैंने दो क्वेश्चन मार्क करे एमसीक्यूज, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे आइए, कुछ और मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, प्लीज थोड़ा फोकस, हम इसको एक घंटे में खत्म कर देंगे आराम से, और ऐसा खत्म करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 के सारे एमसीक्यूज कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। पॉलिसी रेजीम ऑफ मिड 50s, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे क्या पॉलिसीज थी, और 1990s में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद क्या पॉलिसी थी, हमको वो पढ़ना है। तो आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, यहां पे लिखा हुआ होगा सोशलिस्ट, और यहां पे लिखा होगा मिक्स्ड, ठीक है, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ होगा। इंपॉर्टेंट है कि सर मिड 50s के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी था, एंड आई थिंक आपने इसको पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ये क्या मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, क्या मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, क्या मतलब होता है मिक्स इकोनॉमी का। इन केस आपको याद नहीं है, मैं फटाक से आपको एक बार याद करवा देता हूँ कि सर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या बनेगा, कितना बनेगा, क्या प्राइसेस होंगे, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सब कुछ एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों का रोल होता है, इंडस्ट्रीज का भी रोल होता है एंड गवर्नमेंट का भी रोल होता है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, एंड दैट इज वाई इट वॉज सोशलिस्ट इकोनॉमी। आफ्टर 1990s इट इज बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी।
जो भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, डेवलप्ड कंट्रीज उसमें होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लाइक यूके हो गया, यूएसए हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें दे फॉलो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या आप में से मुझे कोई मैसेज करके बता सकता है कौन सी ऐसी दो कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ पे आज भी सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होती है? एनी वन कैन कमेंट मी एंड टेल मी कि सर आज की तारीख में कौन सी ऐसी दो कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे सोशलिस्ट या सोशल सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करा जाता है। एनी वन कैन टेल मी, मैं वेट कर रहा हूँ कि मैसेज का, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर है सिलेबस में। मेरे पास एक आंसर राइट आ गया, साई कामली का, विच इज राइट आंसर, नॉर्थ कोरिया। कैन एनी वन टेल मी वन मोर कंट्री जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो किया जाता है? साई कामली का दूसरा राइट आंसर भी आ गया, चाइना। तो चाइना एंड नॉर्थ कोरिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी एंड ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट याद आया होगा, ठीक है? नीचे तो वही लिखा हुआ है, डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है इसलिए लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्लानिंग। और बाजू में लिखा हुआ है मार्केट मैकेनिज्म, मतलब इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट मैकेनिज्म मतलब बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, के साथ जो भी प्राइसिंग होगा वो डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आप ध्यान से पढ़ो अगर, तो इट इज स्मार्टली पढ़ो अगर, एलपीजी की बात हो रही है सर यहाँ पे, दिस इज एल, दिस इज पी और दिस इज जी। पढ़ा होगा ना आपने ओसी के अंदर, 12th स्टैंडर्ड के अंदर, या जो भी आपका बोर्ड होगा, आई डोंट नो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा। तो ये वाला बात कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, दैट इज ओपननेस ओरिएंटेशन, मतलब सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम कितना इजिली कर पा रहे हैं। तो ड्यूरिंग 1950s, मिड 50s आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट वॉज क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब हम लोग बहुत कम विश्वास रखते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है? कोटा सिस्टम था, बहुत ज़्यादा टैरिफ बहुत हाई थे। अभी क्या है, ओपन इकोनॉमी, मतलब फ्रीली हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विद द अदर कंट्रीज। तो पहले क्लोज इकोनॉमी था, अभी ओपन इकोनॉमी है, आई थिंक वी ऑल नो दिस। फिर प्राइवेटाइजेशन का पी है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। सर पहले सब कुछ था गवर्नमेंट के हाथ में, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। अभी क्या है सर, अभी तो प्राइवेटाइजेशन है, मोस्टली इट इज प्राइवेटाइजेशन। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जैसे IRCTC हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो मोस्टली गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो अभी प्राइवेटाइजेशन आ चुका है, अर्लियर इट वॉज प्योरली 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 गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ, जैसे BSNL था, MTNL था, ठीक है, प्योरली गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, एयरटेल, जियो, कितने सब आ गए। तो अर्लियर प्राइवेटाइजेशन वॉज नॉट देयर, नाउ इट इज देयर। और लास्ट वाला पॉइंट है लिबरलाइजेशन, मतलब सर गवर्नमेंट के नियम कानून। सर पहले नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट थे, अभी नियम कानून बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा, पहले रेगुलेशन कंट्रोल था, अभी लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन है, मतलब LPG ही है सर, बस उसने उसके नाम बदल दिए। आई होप क्लैरिटी मिली होगी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको, आई होप इट इज़ नाउ क्लियर कि सर वो टेबल के अंदर LPG ही है, आखिरी के 3 पॉइंट उसने बस LPG लिखा नहीं। ओके, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया तो, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था दैट वॉज बेसिकली दिस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बट आई थिंक मैंने आपको नीचे के 4 पॉइंट भी समझा दिए एंड आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, सॉरी, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया तो। मैं आगे बढ़ता हूँ, रिया का, रिया असनानी का मैसेज आ चुका है थम्सअप का, हुसैन का क्लियर सर, रितिका का थम्सअप आ चुका है मेरे पास, ममता का आ चुका, अवधूत का आ चुका, बिपिन का आ चुका मेरे पास मैसेज, अराउंड 6 मैसेज ऑलरेडी। गोविंद का मैसेज आ गया मेरे पास, 7, ठीक है, विशाल, ओके, ठीक है ठीक है, अराउंड 8, 9, 10 मैसेज मेरे पास हैं, बाकी जोम्बी लोग क्या करें मुझे पता नहीं। साई कामली का मैसेज है, वी आर 67 करेंटली वॉचिंग द लेक्चर, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, पेज नंबर 4.5। युवराज आश्रह का मैसेज आ चुका है मेरे पास, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। नकुल का मैसेज है मेरे पास, तनीष का मैसेज है, मार्वल एक्ट वर्ल्ड का मैसेज है, ठीक है, श्रेया का मैसेज है, प्लीज मार्क दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं आपको टेबल समझाने की ट्राई करता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमने इसको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक में आपको दिख रहा है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, एक में आपको दिख रहा है सेक्टर मैनेजमेंट। सर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब जो सबको अफेक्ट करता है, एवरी वन इज गेटिंग अफेक्टेड, इट इज़ फॉर एवरी वन। दो चीज़ें लिखी यहाँ पे, फिस्कल पॉलिसी विच वी ऑल अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, उसको बोलते हैं अपन फिस्कल पॉलिसी। तो यार वो तो पूरी कंट्री के लिए होगा ना, हर सेक्टर को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली बाजू में लिखा है मॉनिटरी पॉलिसी, जो RBI इशू करता है, आपका SLR कितना होगा, आपका CRR कितना होगा, आपका बैंक रेट कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, ये सब पॉलिसीज मॉनिटरी पॉलिसीज में आता है जो RBI इशू करता है। इससे हर एक सेक्टर को अफेक्ट होगा। अब क्योंकि हर एक सेक्टर को अफेक्ट होगा, हमने उन दोनों के आगे लिख दिया फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी के यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, बिकॉज एवरी वन इज गेटिंग अफेक्टेड। मैं अगर नीचे की तरफ देखूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर मैनेजमेंट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना सर, अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लोन जो फार्मर ने लिया है उसको वेव कर देता है, तो वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्क पड़ा ना, सबको थोड़ी फर्क पड़ा उससे। इसलिए वो हमने मैक्रो इकोनॉमिक में नहीं रखा, उसको हमने रखा सेक्टर मैनेजमेंट के अंदर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज गवर्नमेंट बैन कर देता है डीजल कार्स को, सपोज बैन कर देता है डीजल कार बैन, अब उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को फर्क पड़ेगा, बाकी सब सेक्टर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी सेक्टर स्पेसिफिक हो गया सेक्टर मैनेजमेंट। एंड सिमिलरली फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट वो जिससे सबको फर्क पड़ेगा विच इज मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसमें दो चीज़ें आई सर, आपका फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी, क्योंकि उससे सबको फर्क पड़ेगा, एवरी इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया। एंड देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक, दैट इज सेक्टरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फॉरन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आसान ईजी MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसको मार्क कर लिया होगा। देख मैंने यहाँ पे 5 stars मार्क करे हुए हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लॉजिक सच सिखा रहा हूँ, जिससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़े, हमको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आइए, पेज नंबर 4.7, अगेन यू विल सी 3 stars वहाँ पे, विच बेसिकली गोज टू शो कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सर क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैक्रो वेरिएबल्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। एक नया वर्ड आया होगा आपकी लाइफ में, कंड्यूसिवनेस, और क्योंकि मैंने आपको BCR पढ़ाया है तो आपको कंड्यूसिव का मतलब पता होना चाहिए। कंड्यूसिव का मतलब होता है टू मेक थिंग्स हैपन, टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल, टू मेक इट ईजी, उसको बोलते हैं कंड्यूसिव। 5 variables दिए हुए हैं, GDP, इन्फ्लेशन, टैक्स, इंटरेस्ट और एक्सचेंज। उनका हमको कैसा डायरेक्शन होना चाहिए कि हमको फेवरेबल लगे, दैट इज वॉट वी आर स्टडिंग। GDP ऑब्वियसली राइजिंग, अरे यार मुझे बात बताओ, राइजिंग GDP ऑब्वियसली इंडिकेट्स के पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। आपने पढ़ा होगा ना GDP, GNP, NNP, NDP, NFC, पता नहीं क्या क्या होता है, वो नेशनल इनकम बेसिकली, तो वो तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है ना, तो GDP ऑब्वियसली राइजिंग होना चाहिए, दैट इज वॉट इज फेवरेबल, दैट इज वॉट इज समथिंग विल मेक बिजनेस मोर कंड्यूसिव। तो GDP राइजिंग इज वेरी आसान, सबको समझ में आता है, सबको ईजी लगता है। टैक्स और इंटरेस्ट की बात करते हैं। देख आई थिंक आपको पता होगा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। क्या मुझे क्लास में कोई बता सकता है डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब होता है? आई थिंक आपने 12th में पढ़ा होगा। आई वॉन्ट अ मैसेज फ्रॉम यू कि सर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है। अगर आपको उसका मतलब आता है तो मैं आपको बहुत ईजिली सिखा सकता हूँ टैक्स वाला पॉइंट। आर वी अवेयर अबाउट डिस्पोजेबल इनकम? इन केस आपको नहीं पता, मैं आपको हेल्प करता हूँ। सपोज सर मेरा इनकम था ना, इनकम यहाँ लिखता हूँ बिफोर, यहाँ लिखता हूँ आफ्टर। सपोज मेरा इनकम 100 था, पहले भी और अभी भी। टैक्स वॉज अर्लियर एट द रेट ऑफ 30%, मतलब मैं जो भी कमाता था मैं सर उसके अंदर 30 रुपये टैक्स पे करता था, -30, तो सर मेरे घर पे कितना आता था? 70 net। ये 70 rupees मेरे घर पे आता था। मान लो कि सर ये जो टैक्स का रेट है ये 30% से हो जाता है 10%, मतलब -10 होगा, तो मेरे घर पे कितना पैसा आएगा? 90। सर कैन आई सी, मेरे पास जो घर पे पैसा आ रहा है, जो नेट इनकम मेरी है वो बढ़ गई,
70 से 90 हो गई, तो ये तो डिजायरेबल है ना। तो वी वुड एज अ बिजनेसमैन, एज अ हाउस होल्ड ऑब्वियसली वॉन्ट कि टैक्स के रेट कम हो जाए, टैक्स के रेट कम हो जाए। तो आपको दिखेगा यहाँ पे टैक्स के सामने डिजायरेबल डायरेक्शन लोअर। तो हमने आपको जीडीपी करवाया, ये वाला करवा दिया आपको हमने लॉजिक के साथ, ठीक है, और ये करवा दिया आपको हमने लॉजिक के साथ। दूसरा करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैनिथ हम एग्जाम्पल कर रहे थे, और पहली बात 5 लाख के ऊपर जो टैक्स आता है वो इंडिविजुअल के लिए आता है, हम लोग नॉर्मल स्लैब रेट की उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यस विशाल, आपका आंसर राइट है, वेरी गुड। बाकी लोग फोकस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे चाहिए लोन, सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ मुझे चाहिए लोन। अब लोन के अगर ऊपर इंटरेस्ट रेट सपोज इट इज 10%, ठीक है, अगर वो 10% से 8% होता है, 8%, तो आपको नहीं लगता कि मुझे लोन सस्ते दाम पे मिल गया, कम ब्याज पे मुझे लोन मिल गया? तो फॉर द बिजनेसमैन ऑब्वियसली व्हाट इज डिजायरेबल इज कि सर इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मेरे लिए लोन उठाना सस्ता हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि सर इंटरेस्ट रेट भी डिजायरेबल डायरेक्शन लोअर ही तो होगी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज लेट मी नो, वेटिंग फॉर योर मैसेज कि सर टैक्स रेट इंटरेस्ट रेट दोनों समझ में आ गया कि हाँ सर इंटरेस्ट रेट भी अगर कम होगा तो लोन उठाना सस्ता हो जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठाएंगे बिकॉज इट इज़ चीपर नाउ। डू वी अंडरस्टैंड दिस? 70 लोग जो ऑनलाइन हैं, 10 लोग कम हो गए ब्रेक के बाद, आर वी क्लियर विद दिस? वेटिंग आपके मैसेज का। मैसेज है मेरे पास, रिया का मैसेज है, जैनल का मैसेज है, बिपिन का मैसेज है, साई कामली का मेरे पास मैसेज है, हुसैन का मैसेज है मेरे पास, जो लोग जॉम्बी मोड में नहीं है उनका मैसेज मेरे को आ रहा है, नकुल का मैसेज है, गोविंद का मैसेज है, ममता का मैसेज है, आनंद का मैसेज है, अवधूत का मैसेज है, मार्वल आर्ट वर्ल्ड का मैसेज है मेरे पास, नकुल, रितिका, ठीक है ठीक है, तनिश, जैनिल, तनिश अग्रवाल तो होली खेल रहा है, होली पागल, वो पिंक कलर के हाथ है उसके, पिंक कलर के हाथ। नीचे फोकस करना, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अच्छा पॉइंट है, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। देख, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है ना तो दैट इज अ इंडिकेशन कि लोगों का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, तभी लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग खरीद पा रहे हैं और चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। आई थिंक एवरी वन इन द क्लास अंडरस्टैंड वॉट इन्फ्लेशन मीन्स कि सर 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये की हो गई। अब 100 की चीज़ 105 की कब होगी? जब लो डिमांड है मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं उसको। तो इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया दैट गोज टू शो कि सर खरीदने की जो परचेजिंग पावर है लोगों का वो मतलब बेसिकली कम हो रहा है, ठीक है, लोगों की चीज़ें खरीदना लोगों की औकात के बाहर जा रहा है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इन्फ्लेशन कम भी अच्छा नहीं, इन्फ्लेशन ज़्यादा भी अच्छा नहीं, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए। इन्फ्लेशन होना चाहिए अच्छी बात है, बिकॉज दैट शोज के कंट्री आगे बढ़ रही है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक आम आदमी, कॉमन मैन, मिडिल क्लास आदमी के लिए चीज़ें खरीदना औकात के बाहर हो जाएगा, एंड दैट इज़ आई इन्फ्लेशन के वहाँ पे मॉडरेट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सेम गोज फॉर एक्सचेंज, सर इम्पोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, तो अगर एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है पर इम्पोर्ट के लिए ख़राब है, एंड वाइस वर्सा। तो क्योंकि हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देखना है, इट हैज़ टू बी एक्सचेंज हैज़ टू बी मॉडरेट। तो दो मॉडरेट है, दो लोअर है और एक राइजिंग है। जीडीपी, चल बिना देखे ट्राई करें, सर जीडीपी क्या होना चाहिए? आपको टाइप करना पड़ेगा, जीडीपी कैसा होना चाहिए? सर राइजिंग होना चाहिए। सर इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए? मॉडरेट। सर टैक्स कैसा होना चाहिए? लो। सर इंटरेस्ट रेट जो हम पे करते हैं वो कैसा होना चाहिए? लो। सर एक्सचेंज कैसा होना चाहिए? मॉडरेट। आसान, होपफुली आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, हम रट्टा नहीं मार रहे, हम लॉजिकली पढ़ रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म आपको याद रहे, ठीक है। वापस से ट्राई करें एक बार, जीडीपी राइजिंग, इन्फ्लेशन मॉडरेट, टैक्स लोअर, इंटरेस्ट रेट पे करने वाला लोअर और एक्सचेंज मॉडरेट। मजा आ रहा है, आसान लग रहा है, इजी लग रहा है? लेट मी नो प्लीज, बिकॉज दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख मैंने यहाँ पे स्टार मार रखे हैं, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे को, साई, टीना, माधवी, अवधूत, सहजादी, बिपिन, गीता, रितिका, टीना, ममता, मनीषा, मार्वल, अवधूत,
बिपिन, गीता, माधवी, ममता, रिया, रितिका, युवराज, परफेक्ट, माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज मार्क करना, मैंने कुछ एमसीक्यू मार्क कर रखे हैं, आपको इनको मार्क करना है सिर्फ, ठीक है? बहुत इजी सी पॉइंट्स हैं, बट आई नीड टू यू नो पिंच यू, पिन पॉइंट यू कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो मिस हो जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, देख मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है? मैसेज फ्रॉम अनंत, जैनिल ऑल्सो, गोविंद ऑल्सो, अमृता, नकुल, ओके थैंक यू। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट ड्रॉन इन क्लोज चेंबर्स। अरे यार, गवर्नमेंट इंटरेक्ट करता है सामने बिजनेसमैन के साथ, सबके साथ, कि तुम्हारे लिए क्या कंड्यूसिव है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं खुद भी कुछ भी पॉलिसी बना देता है, ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दैट जो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करता है, इट इज़ बाई डायरेक्शनल, ठीक है? दोनों दोनों जगह बातचीत होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट ड्रॉन इन क्लोज चेंबर्स, ठीक है? फिर लिखा है मैंने आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ मनी इन क्रेडिट। इन सबको समझ में आता है, एसएलआर का, सीएलआर का, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कि मैं रेट के साथ अगर छेड़छाड़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा डिमांड ऑफ एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट पे। पर इंपॉर्टेंट था इससे मैंने इसको मार्क करवाया, आपको वहाँ पे एक बार पिंच करा, पिन पॉइंट करवाया कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, मिस ना हो जाए, ठीक है? रितिका चैप्टर खत्म हो जाएगा 10:20 तक और मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? तो होप आपने इसको एमसीक्यू को मार्क कर लिया होगा। मैंने कुछ वहाँ पे दो तीन एमसीक्यू मार्क कर रखे हैं, आई होप आपने वो तीन एमसीक्यू मार्क कर लिए होंगे, ठीक है? आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली पढ़ना है, तो प्लीज फोकस रहना। हेडिंग है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इम्पैक्ट। सर क्या पढ़ना है यहाँ पे, फोकस करना। उससे आपको चार पॉलिसीज बताइए, चार पॉलिसीज। सर कौन सी चार पॉलिसीज है? प्रोटेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड फैसिलिटेटिव। मैं क्लियर करता हूँ इसको आपके लिए, देख यहाँ पे प्रोटेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव एंड फैसिलिटेटिव स्लैश डेवलपमेंटल। हम प्रोटेक्टिव पॉलिसी की बात करते हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, हमने अभी भी ऊपर पढ़ा था, इट वॉज क्लोज इकोनॉमी, मतलब हम लोग चाहते थे कि जो बाहर वाली कंपनीज़ है वो इंडिया में अगर आएगी तो यार इंडिया की जो कंपनीज़ है खुद की, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो हमने बाहर वालों को इंडिया में आने ही नहीं दिया, बिकॉज वी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो अगर आप ऐसा करते हो तो हम उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, ठीक है? जैसे वी हैड समथिंग कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है? हमने इंडिया से कोका कोला को बाहर भगा दिया था कि आप यहाँ पे काम मत करो। हम किसी को इंडिया में आने नहीं देते थे, बिकॉज वी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द इंडियन कंपनीज जो शायद कंपीट नहीं कर पाती उस टाइम पे विद द ग्लोबल ब्रांड्स, ठीक है? प्राइस वाइज वो सब मैच नहीं कर पाते, तो हमने उनको इंडिया में आने नहीं दिया। उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो अगेन आसान। देन आई कैन सी समथिंग कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। सर क्या बोलेंगे, ट्राई करें आप, एक एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है? बिकॉज एक नाम आएगा वहां पे एमआरटीपी। क्वेश्चन सुनना, एग्जाम्पल लेते हैं किसी का। सर मेरे पास सामने सेम शर्ट है आपने जो पहनी है। अच्छा चलो आदित्य का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, फोकस करना प्लीज। आदित्य भैया का एग्जाम, आदित्य गुप्ता जी, आदित्य जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सर आदित्य जी ने सीए पास किया एंड उनकी इनकम है, ईयरली इनकम है लेट्स से स्टार्टिंग 20 लाख रुपए, स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रेशर। तो आदित्य जी 20 लाख कमा रहे हैं सीए बनते ही, वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी इनकम से। तो आदित्य क्या सोचता है, चल मैं काम करता हूँ, मैं सीएस भी कर लेता हूँ। अब सीएस करने के बाद उसका इनकम हो गया सीए प्लस सीएस मिलाकर 30 लाख का। आदित्य अब भी खुश नहीं है, क्या 30 लाख नहीं ज़्यादा कमाना है। तो आदित्य एक काम करता है, आदित्य कर लेता है एलएलबी। अब आदित्य की इनकम हो गई है 40 लाख। आदित्य जी अभी भी खुश नहीं है। अब आदित्य सोच रहा है कि यार मैं काम करता हूँ, मैं एसीसीए कर लेता हूँ। उसके बाद उसकी इनकम हो गई 50 लाख रुपए। तो नाउ ही हैज 4 डिग्रीज, सीए, सीएस, एलएलबी एंड एसीसीए, और उसका अब अभी जो पैकेज चल रहा है, इतनी 4 डिग्री होने के बाद इट इज 50 लाख, इट इज 50 लैक्स।
अब आदित्य सोच रहा है कि नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। अब आदित्य क्या सोच रहा है कि मैं काम करता हूँ, आखिरी एक डिग्री लेता हूँ, आखिरी वन लास्ट डिग्री, विच इज MBA, विच इज MBA। ठीक है, तो आदित्य ने डिसाइड किया कि मुझे MBA करना है। अब जैसे आदित्य ने डिसाइड किया कि मैं MBA करूँगा, उसको गवर्नमेंट रोक देती है, उसको इंस्टीट्यूट रोक देती है कि नहीं, तू अब और डिग्री नहीं लेगा, तू जितना कमा रहा है ना 50 लाख, बस उतना ही कमा, तू अभी और पढ़ाई नहीं कर सकता। मतलब हमारा आदित्य रेडी है मेहनत करने को, नई डिग्री लेने को, पढ़ाई करने को और कमाने को, पर उसको रोका जा रहा है कि नहीं, तू और नहीं पढ़ेगा, तू और नहीं कमाएगा, इतना ही कमा बस, खुश रहे। आप मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है? क्या आदित्य को रोकना चाहिए फालतू में कि नहीं, तू मत पढ़, बस इतना ही कमा, तू और नहीं कमा सकता, तू और नहीं पढ़ सकता, तू और मेहनत नहीं कर सकता? नहीं, सब गलत। बताइए मुझे, इज दिस सेंसिबल? क्या ये सही है या गलत है? साई का मैसेज है गलत। डू आई हैव एनी अदर ओपिनियन? साई का मैसेज है गलत करके। क्या हमें किसी को रोकना चाहिए कि नहीं तो और मत पढ़, नहीं तो और मत कमा? डू यू थिंक दिस इज सेंसिबल? हुसैन बोलता है रॉन्ग। रिया, गोविंद, आश्रय, जैनिल, राहुल, आशी, नकुल, बिपिन, अवधूत, अनंत, युवराज, सबका मैसेज है गलत। युवराज, सबका मैसेज है गलत। श्रेया गलत, शिवांश गलत, बिपिन गलत, एंड द आंसर इज गलत। यही हो रहा था सर यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में यही हो रहा था। लाइक वी हैड एन एक्ट कॉल्ड, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, एक एक्ट था MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट करके, वी हैड वन एक्ट। वो एक्ट क्या बोलता था पता है? कि अगर आपकी कंपनी बड़ी हो गई है ना, तो और बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी लोग धंधा नहीं कर पाएंगे। अरे तो पागल हो गया क्या? मेरी मेहनत, मेरा डेडिकेशन, मुझे ज़्यादा कमाना है तो मैं कमाऊँगा ना, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी मेहनत है। तो MRTP एक्ट को एबॉलिश कर दिया, एंड उसकी जगह आ गया कंपटीशन एक्ट 2002। तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करता है किसी कंपनी को और बढ़ने से, जो आज की तारीख में सेंसिबल नहीं है, जो आज की तारीख में सेंसिबल नहीं है। तो मुझे तो बेसिकली आपको कम्युनिकेट करना था कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है। रेस्ट्रिक्ट कर देना किसी को ज़्यादा ग्रो करने से, इजी। फिर सबसे आसान, रेगुलेटरी पॉलिसी, जो हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, वी हैव समथिंग कॉल्ड RBI, वी हैव समथिंग कॉल्ड सेबी, वी हैव समथिंग कॉल्ड कंपटीशन एक्ट, जिसका बॉडी है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वी हैव IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये सारे रेगुलेटर्स हैं स्पेसिफिक सेक्टर के, जैसे RBI रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, IRDA रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, सेबी रेगुलेटर है लिस्टेड कंपनीज का। तो वो लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी पॉलिसी। आसान। एंड लास्ट में सर, बडिंग बिजनेसेस को, छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना, उनको ग्रो करना, उनको पुश करना, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटिव स्लैश डेवलपमेंटल पॉलिसीज। शायद आपने कभी नाम सुना होगा MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उसको गवर्नमेंट पुश करता है कि भाई तू बिडिंग कम कर, तेरे से हम कम से कम 25% साल का परचेज करेंगे, तेरे को हम लोन भी कम इंटरेस्ट पे दे देंगे, तेरा लोन माफ़ भी कर देंगे, तुझसे हम कुछ गिरवी भी नहीं लेंगे। उसको पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को। उसको बोलते हैं फैसिलिटेटिव स्लैश डेवलपमेंटल पॉलिसीज। तो आपके मैं लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जो आप खुद नहीं कर पाते। तो एक्सपेक्टिंग आपको ये पॉलिसीज का मतलब समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पे सब कुछ मार्क कर रखा है आपको समझाने के लिए। एक MRTP का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है वहाँ पे, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MCQ है MCQ, तो आपको उसको मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, MSME का फुल फॉर्म दिखेगा आपको वहाँ पे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आर बी क्लियर विथ 4 पॉलिसीज? आप एक बात याद रखो, स्मार्टली पढ़ो, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको MCQ एग्जाम है, आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको एकदम स्मार्टली पढ़ना चाहिए कि हाँ, जो काम का है, जो मुझे आना चाहिए वो मुझे आ जाए बस। तो आपको मैंने सारे कंसेप्ट बताए, लॉजिक्स बताए, ये आपको आना चाहिए। एक और दिख रहा है मुझे यहाँ पे, DGFT का फुल फॉर्म, विच इज़ अगेन एन MCQ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर सब कुछ ध्यान रखता है, अगेन काम का। हाँ, सब्सिडी भी देते हैं, वेरी गुड। PPF मतलब, साई कमली, PPF कहाँ पर आ गया? टेल मी, कहाँ पे आपको दिखा PPF? मुझे तो नहीं दिखा कहीं पे। कौन से नशे कर रखे हैं आपने साई कामली? सस्ते नशे कर रखे हैं आपने।
आर वी क्लियर? एम सी क्यूज बताया आपको मैंने, डीजीएफटी का फुल फॉर्म एम सी क्यू है, एम आर टी पी मैंने मार्क कर रखा है, एम आर टी पी एम सी क्यू है, मोनोपॉलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, और चारों जो पॉलिसीज थी वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली। तो बहुत आसान है, एक बार में समझ में आता है, एक बार में याद होता है। ठीक है, नीचे आते हैं, इतना मार्क कर लो प्लीज़। लिबरलाइजेशन के अंदर एम सी क्यू एग्जाम आ चुका है, ऑब्वियस हम सबको पता है लिबरेशन क्या होता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसान करना, उनको डिफिकल्ट ना रहने देना। ठीक है, टू मेक देम इजी। तो लिबरेशन मीन्स टू रिमूव और लूज एंड रेस्ट्रिक्शन, जो हमने नियम कानून बना रखे थे, इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून बना रखे थे फॉर यू टू डू बिजनेस, उसको हमने कम कर दिया, उसको हमने आसान कर दिया। तो लिबरेशन मीन्स टू रिमूव और लूज एंड रेस्ट्रिक्शंस, दिस हैपन्स वाया डिसमेंटलिंग, मतलब निकाल देना, हटा देना। डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंसिंग एंड परमिट्स, डीरेगुलेशन, ईजिंग ऑफ अप्रूवल्स एंड सिस्टमेटिक लूजिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिन कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो सबको समझ में आता है, एंड जो आपको आना चाहिए मैंने मार्क कर रखा है, आपको भी इतना सही मार्क करना है, इतना सही पढ़ना है। लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में ऑलरेडी दिया होगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये तो यार लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन था। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन, डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट, प्लीज थोड़ा ध्यान से, डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट। नो सर, उसमें नहीं है, वो फुल फॉर्म पूछ रहा है। ओ साई कामली, पढ़ लेना आया, पीपीएफ कहाँ से आ गया? यहाँ पे फोकस कर जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। प्राइवेटाइजेशन इज डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू टू फुल्ली फोकस नाउ प्लीज। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, सबको समझ में आता है कि सर पहले सब कुछ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर एंटर करवा रहे हैं, जो से पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था, वो अब प्राइवेट के हाथ में भी जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। सबको समझ में आता है, जो समझ में नहीं आता दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वो किसी को समझ में नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि उसको हम अच्छे से पढ़ें, लॉजिकली पढ़ें, और आप रट्टा ना मारो। ठीक है, डिफिकल्ट है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मुझे प्लीज, मिस करा तो गए। अब टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन में उसने आपको बुक में दिया हुआ है, डीरेगुलेशन, डेलीगेशन, डिस्प्लेसमेंट, डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। उसने आपको चार टाइप्स दिए हुए हैं प्राइवेटाइजेशन की, और दैट इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी हैं, दो ईजी हैं विच इज डेलीगेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेलीगेशन से विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं मिलेगा और गूगल पे भी नहीं मिलेगा, तो मुझे प्लीज ध्यान से सुन लो, ना आपको कोई यूट्यूब पे सिखाएगा। ठीक है, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन बचे हैं, 60 जितने हैं, प्लीज ध्यान से फोकस करके सुनना। ठीक है, मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मोदी जी आए थे 2014 में, बीजेपी केम टू सेंटर इन 2014। 2014 के पहले आपको तो शायद नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, दे विल टेल यू कि इंडियन रेलवेज के अंदर बहुत ज़्यादा खराब हालत थी ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब वॉशरूम हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, सब गंदगी, कचरा वचरा दिखेगा आपको, किसी ने स्पिट कर रखा है वॉशरूम के अंदर, मतलब आप जा ही नहीं सकते, इतना खराब वॉशरूम का कंडीशन, मतलब आपको स्मेल आता रहेगा थ्रू आउट ट्रेन के अंदर, बहुत खराब हालत थी। अब मोदी जी जब 2014 में आए तो मोदी जी ने देखा कि ये सब क्यों हो रहा है, वाई इंडियन रेलवेज का इतना खराब हालत क्यों है, क्यों क्लीनलीनेस नहीं है यहाँ पे। तो मोदी जी बेसिकली सॉ कि जो भी ये साफ सफाई का जो काम करते हैं, ऑल दोज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ कि तुम काम करो या मत करो, तुमको सैलरी मिल जाएगी, जॉब सिक्योरिटी, दैट इज वॉट इज गवर्नमेंट जॉब। तो काम करके भी उतना ही पैसा मिलेगा, काम ना करके भी उतना ही पैसा मिलेगा। तो वो लोग साफ सफाई वाले लोग क्या करते थे, वो लोग काम ही नहीं करते थे, एंड इसलिए इतना अनहाइजीनिक था प्लेटफॉर्म्स और वॉशरूम्स, ट्रेन में आप ट्रेवल कर ही नहीं सकते थे। अपने पेरेंट्स से पूछना, दे विल टेल यू। अब मोदी जी जैसे ही 2014 में आए, उन्होंने क्या करा पता है, ये साफ सफाई वाला काम जो था उसको आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स। अभी अगर आप जाओगे ना ट्रैवल करोगे ट्रेन से, तो आपको दिखेगा ग्रीन और येलो कलर के कपड़े पहने हुए लोग होंगे जो साफ सफाई करते हैं। देखा किसी ने, एनी वन हैव सीन ग्रीन और येलो कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो लोग क्लीन साफ सफाई करते हैं। अब वो क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो काम पहले गवर्नमेंट का एम्प्लॉय करता था, अब उसको हमने दे दिया, डेलीगेट कर दिया, उसको आउटसोर्स कर दिया एक प्राइवेट फर्म को। अब वो ध्यान रखेगा साफ सफाई का।
अब उसको अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज उसने अगर अपना काम अच्छे से नहीं करा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, तो उससे प्राइवेटाइजेशन तो हुआ। रेलवे पटरी बिछाना, ट्रेन चलाना, अभी भी गवर्नमेंट अपने हाथ में रखा हुआ है, सिर्फ साफ सफाई का काम हमने किसी और को दे दिया। आर वी क्लियर विथ डेलीगेशन? डेलीगेट करना, अपना काम किसी और को देना, अपना काम किसी और से करवाना, आउटसोर्स करना। अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इंडियन रेलवेज का क्लीन करने वाला डिपार्टमेंट जो मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। आई होप वी आर क्लियर। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा डेलीगेशन को, अपना काम किसी और को देना। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर। मीन वाइल मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। देख डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सपोज दिस इज अ प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें पड़ी हुई है, सपोज एक यहाँ पे एक पेन पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक रिमोट पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर ये गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। जैसे इमेजिन करो कि टेलीकॉम सेक्टर है, अब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दो ही लोग हैं, दो प्लेयर्स हैं, एक MTNL है, एक BSNL है। अब हमने क्या बोला प्राइवेटाइजेशन के अंदर कि इनको डिसप्लेस करो, मतलब इनको साइड में करो, मतलब ये तो काम करते ही रहेंगे, इनके साथ साथ अब काम करेगा, लेट्स से हमारा एयरटेल भी काम करेगा, वोडाफोन भी काम करेगा, आइडिया भी काम करेगा, जियो भी काम करेगा, सब काम करेगा। मतलब जो पहले पूरा पावर, जो पहले पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ था, उसको बोला कि तू तो साइड हो, दूसरे लोग भी यहाँ पर आएंगे। अब वो जो दूसरे लोग आएंगे और इसको जो हमने साइड में करने को बोला, उसको बोलते हैं डिसप्लेसमेंट। आर वी क्लियर? डिसप्लेसमेंट मैं आपको याद करवा रहा हूँ, मैं आपको लॉजिकली, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, जिससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। सब्जेक्ट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल यू नीड टू नो इज द लॉजिक एंड द एग्जाम्पल्स। तो आई गिव यू टू पॉइंट्स ऑलरेडी, डेलीगेशन एंड डिसप्लेसमेंट अंडर द टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अंडर दी टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एंड एग्जाम में बहुत आसान है, आपको वर्ड दिखेगा डिसप्लेसेस, देखिए यहाँ पे ये रहा वर्ड, आई शो यू द वर्ड डिसप्लेसेस। ये डिसप्लेसेस वर्ड से आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि सर ये टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिसप्लेसमेंट वाला टाइप है, ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिसप्लेसमेंट वाला पॉइंट है। विद द वर्ड डिसप्लेस इट विल बिकम ईजी फॉर यू। तो हमने दो करे, डेलीगेशन एंड डिसप्लेसमेंट। अगले दो, एंड अगले दो वो डिफिकल्ट है, तो आई वॉन्ट यू टू फोकस, बिकॉज आपको वो कोई नहीं करवाएगा। फोकस करिएगा। दो वर्ड्स देखे मैंने यहाँ पे, जो नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है, आप खुद से पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। आर वी क्लियर? एक बार में याद होता है सर, डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो आई कैन क्लियरली सी कि डाइवेस्टमेंट एक बड़ा वर्ड है, डाइवेस्टमेंट एक छोटा वर्ड है कंपेयर टू डिसइन्वेस्टमेंट। तो नाम छोटा है पर काम बड़ा है सर, काम बड़ा मतलब मेजोरिटी स्टेक। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पोर्शन, छोटा सा हिस्सा, पोर्शन ऑफ स्टेक। एक बार में याद करवा रहा हूं सर, एक बार में। नाम बड़े दर्शन छोटे, वैसा वाला पॉइंट काफी सही बोला साई कामली ने। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस लाइक दिस, सो दैट आपको कभी भूले नहीं और हमेशा याद रहे कि सर आप जो पढ़ाने की ट्राई कर रहे हो, इट इज़ वेरी इजी। एंड एक बार में याद होता है वैसा पॉइंट है।
कि सर डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर डाइवेस्टमेंट नाम छोटा है, वर्ड छोटा है, पर उसके अंदर काम बड़ा है, मतलब उसके अंदर एक्वायर कर रहे हैं हम लोग मेजोरिटी स्टेक, ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट नाम बड़ा है पर काम छोटे हैं उसके अंदर, पोर्शन ऑफ स्टेक। आर वी क्लियर? ये कोई नहीं पढ़ाएगा सर आपको ऐसे, कोई याद नहीं करवाएगा। आई एम ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर थिंग्स इन अ वेरी फ्रेंडली वे। आप पढ़ोगे यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है उसने, ठीक है। मेरे पढ़ाने का समझ में आएगा, डाइवेस्टमेंट के अंदर पार्शियल ओनरशिप मेजोरिटी स्टेक, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर पोर्शन ऑफ ओनरशिप। मजा आया, समझ में आया? अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं याद होता सर, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे ट्रिक के बाद ही याद होगा मैं ऐसा मानता हूं, और कोई ये ट्रिक आपको नहीं पढ़ाएगा। आर वी क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज गिव मी थम्स अप प्लीज। रिया डिसइन्वेस्टमेंट एयर इंडिया, हाँ इनिशियली सॉ डिसइन्वेस्टमेंट, अभी तो खैर डाइवेस्टमेंट हो गया। रिदम सिंह का मैसेज है, क्या ट्रिक है माशाल्लाह, थैंक यू रिदम सिंह राजपूत, थैंक यू। अदर्स एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आया होगा मेरे इस ट्रिक की हेल्प से। बिपिन का मैसेज है, यस सर 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट। बिपिन का मैसेज है, गोविंद का मैसेज है, साई का मैसेज है, हाँ विशाल, डाइवेस्टमेंट के अंदर मेजोरिटी, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर छोटा सा। अनंत का मैसेज है, ममता का मैसेज है, ऋतिका का मैसेज है, साई का मैसेज है माशाल्लाह, अब्दुल का मैसेज है, आशी का मैसेज है मेरे पास, जो भी 60 लोग मुझे दिख रहे हैं ऑनलाइन फिलहाल, ठीक है। आगे तो प्राइवेटाइजेशन के टाइप्स हो गए, हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 पेज, आई गेस 2-3 पेज, 2 पेज, ठीक है। 10 मिनट मैं आपको छोड़ दूंगा, लास्ट 10 मिनट, आखिरी 10 मिनट, मतलब आज के लेक्चर में मैंने कवर कर लिया, पता है कितना, आउट ऑफ 40 अराउंड 13 मार्क्स कवर कर लिया, 12 to 13 मार्क्स कवर कर लिया हमने सिर्फ एक लेक्चर के अंदर, आज के एक लेक्चर के अंदर। अगर आपने देखा पूरा लेक्चर मेरा तो अराउंड हमने कम से कम 12 मार्क्स तो कवर कर ही लिया, ठीक है। फोकस करिए, 10 मिनट और, ठीक है, छोड़ दूंगा मैं आपको। वी आर गिवन बी समथिंग कॉल्ड एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर आज तो सुबह 9 बजे से चल रहे, समझा नहीं रितिका, 9 बजे से चल रहे मतलब, समझा नहीं। यहाँ पे एफ डी आई मतलब सर बाहर वाली कंट्री से, बाहर कंट्री से कोई इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करता है, या इंडिया वाला कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, हम उसको बोलते हैं एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे इंडिया वाला सपोज यूके जाता है और वहाँ पे जाके अपनी फैक्ट्री खोलता है, या यूके वाला इंडिया आता है और आके फैक्ट्री खोलता है, हम उसको बोलते हैं एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से पैसा आया, फॉरेन वर्ड से बनाते हैं, बाहर से पैसा आया। अब वो एफ डी आई की हम जो बात कर रहे हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो आई एफ डी आई जो बाहर वाला अंदर आएगा, और एक ओ एफ डी आई आउटवर्ड, इंडिया वाला बाहर जाएगा। लिखा था यहाँ पे, एफ डी आई मे बी डिस्क्राइब्ड एज द फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन। ऑलरेडी डिस्कस किया हमने ये, सर बाहर वाला इंडिया में आया, एफ डी आई इज वेरी इजी। रितिका और कोई चैनल है रिविजन के लिए? ममता कौन सा रिविजन चाहिए बताइए मुझे। रितिका, रितिका आपने विद्योदया को भी फॉलो किया है क्या? कौन है विद्योदया, पागल क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे अपन बाकी लोग फोकस करते हैं, जो लोग डिस्टर्ब होंगे डिस्टर्ब होने दो, अपन फोकस करते हैं। तो एफ डी आई का डेफिनेशन इज क्लियर। फिर एक एग्जाम का एम सी क्यू सर आपकी बुक के अंदर, प्लीज मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिखेगा ये। ओ हो सर राहुल का मैसेज है, यहाँ पे प्लीज फोकस, एफ आई एफ पी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क करें, आपकी बुक में लिखा हुआ है एफ आई एफ पी, मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फोकस करना, एक ऐसा टॉपिक जहाँ से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक ऐसा पोर्शन ऑफ द चैप्टर जहाँ पे ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिक्स है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सर हेडिंग क्या है? सर ऐसे कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं, ऐसे कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं जहाँ पे एफ डी आई अलाउड नहीं है, मतलब बाहर वाला इंडिया में आकर इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ना ही ऑटोमेटिक रूट से और ना ही गवर्नमेंट रूट से। तो क्वेश्चन आता है सर ऑटोमेटिक रूट क्या एंड गवर्नमेंट का रूट क्या? देख अगर किसी बाहर वाले को आके इंडिया में धंधा करना है और उसको अगर गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट रूट, या हम उसको बोलते हैं अप्रूवल रूट।
पर बिना परमिशन लिए आप सीधा के बिजनेस कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, नाम से समझ में आता है। हम कुछ सेक्टर्स ऐसे पढ़ रहे हैं जिन सेक्टर के अंदर एफडीआई अलाउड ही नहीं है, ना ऑटोमेटिक रूट से और ना ही गवर्नमेंट रूट से, ऐसे कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं, उन सेक्टर्स को याद करना है बिकॉज वो एग्जाम में आता है। मैं उसको बहुत आसान मानता हूँ। सबसे पहला दिया हुआ है आपको एटॉमिक एनर्जी, पहला नंबर, पहला अल्फाबेट ए, एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट दो सट्टे वाले हैं, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। नेक्स्ट दो इज लाइक लोगों से पैसा कलेक्ट करने वाला, चिटफंड एंड निधि कंपनी। तो पहले पांच तो बहुत ही आसान हो गए, पहला इज ए, पहला अल्फाबेट एटॉमिक एनर्जी, फिर सेकेंड और थर्ड इज सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। नेक्स्ट दो जहाँ पे आप लोगों से पैसा लेते हो, दैट इज चिटफंड एंड निधि कंपनी। इन सेक्टर्स के अंदर एफडीआई अलाउड नहीं है, ना ही ऑटोमेटिक रूट से और ना ही गवर्नमेंट रूट से। ये पांच तो हो गए। एग्जाम में आता है सिक्स्थ पॉइंट, एग्जाम में आता है सिक्स्थ पॉइंट, फोकस करिए। उसने लिखा है एग्रीकल्चर, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, फिश, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम एक्सेट्रा। फिर आगे लिखा उसने, ब्रैकेट ओवर हो गया, फिर लिखा उसने प्लांटेशन एक्टिविटीज, वापस ब्रैकेट में लिखा अदर देन टी प्लांटेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है, टी प्लांटेशन के अंदर आप आंसर करोगे मुझे, टी प्लांटेशन के अंदर, पॉइंट नंबर सिक्स की बात कर रहा हूं, टी प्लांटेशन के अंदर एफडीआई अलाउड है या नहीं है, आप मुझे आंसर करो। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ठीक है, एंड दैट इज वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको खुद से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। रॉन्ग आंसर था रिया का, रॉन्ग आंसर था साई कामली का, रॉन्ग आंसर था विशाल का, रॉन्ग आंसर था गोविंद का, कितने सारे आंसर रॉन्ग आ रहे, देख कितने सारे आंसर रॉन्ग है। जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है सर, जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, उन सब जगहों पर एफडीआई अलाउड है। आई रिपीट, याद करने का तरीका, गीता का भी रॉन्ग आंसर, जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना, वहां पे एफडीआई अलाउड है। सर कैसे? हमारा टॉपिक का हेडिंग है कि कहां एफडीआई अलाउड नहीं है। देख टॉपिक क्या है हमारा, सर कौन से सेक्टर के अंदर एफडीआई अलाउड नहीं है, तो एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सक्लूडिंग, मतलब यहां पे चलेगा, तो जो भी ब्रैकेट में है ना, वहां पे बाबा एफडीआई चलेगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है वहां नहीं चलेगा। तो जिनके रॉन्ग आंसर थे, आई होप क्लियर हो गया भाई, जिनके आंसर रॉन्ग थे, विशाल का, गीता का, आई होप वी आर क्लियर, जिनके रॉन्ग आंसर थे उनसे ही बात कर रहा हूं सर। गोविंद का आंसर रॉन्ग था, आई होप इट इज नाउ क्लियर, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आपको अपनी गलती पता पड़ी होगी। तो मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जो ब्रैकेट में है वहां पे एफडीआई अलाउड है, जो ब्रैकेट के बाहर है वहां पे एफडीआई अलाउड नहीं है, ठीक है। मैसे आ गया मेरे पास ऑलरेडी, साई कामली का जिनका रॉन्ग आंसर था, गोविंद का, ममता का, ठीक है, गीता का भी आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। फिर सेवन बी सेम, समथिंग विच इज इन द ब्रैकेट एफडीआई इज अलाउड, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में एफडीआई अलाउड, एक्सेप्ट मतलब वहां पे अलाउड है, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। मैं एग्जाम्पल दूं आपको इसका, शायद नाम सुना होगा आपने लवासा, बाद में गूगल करना, लवासा करके एक टाउनशिप बनने वाली थी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पेड़ कटेंगे, वो सब कटेंगे, तो वो पूरा प्रोजेक्ट बीच में रोक दिया गया, तो बहुत लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ था, वो डूब गया। अब एक बाहर वाली कंपनी आकर उस टाउनशिप को वापस से डेवलप कर रही है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया ना कि सर टाउनशिप के अंदर एफडीआई अलाउड है। आई एम गिविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लवासा, ठीक है। नीचे TDRs अगेन रिलेटेड टू दिस कंस्ट्रक्शन ऑल, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऐसा बोल लो कुछ बेनिफिट दिया जाता है आपको, अगर आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं TDR, तो वहाँ भी FDI नॉट अलाउड। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, एंड लास्ट वाला इज सिगरेट, सिगार्स, ची रूट्स, सिगारीलोस, ठीक है, बीडी सिगरेट, ये सब, ये पढ़ते मुझे याद आया ITC से मुझे याद आया कोलकाता, और मुझे ITC से याद आया 1910। क्या आपको ऐसा याद आता है जैसा मेरे को आता है कि मैंने पढ़ा पे पढ़ा सिगरेट्स, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हुआ ITC, ITC से स्ट्राइक हुआ कोलकाता, कोलकाता से स्ट्राइक हुआ 1910। क्या आपको ऐसा स्ट्राइक होता है भाई? अगर स्ट्राइक होता है मतलब
आप एक सही डायरेक्शन में हो, या अगर आपको याद आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, तो आप एक सही डायरेक्शन में हो। ऐसा होता है सर? गोविंद, यस वेरी गुड, कोल इंडिया भी कोलकाता में ही है, वेरी गुड। अवधूत का मैसेज है मेरे पास, विजय का मैसेज है, हुसैन का मैसेज है, साई कामली का मैसेज है, ईयर नहीं हुआ, ठीक है, 1910, ठीक है। रिया का मैसेज है, ठीक है, टबैको बिपिन का मैसेज, ठीक है। तो बेसिकली ये वो सेक्टर्स हो गए जहाँ पे FDI प्रोहिबिटेड है, ठीक है। वेरी इजी टू रिमेंबर, मेरे हिसाब से आपको याद रहना ही चाहिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेवेंथ भी। बस लास्ट 2 मिनट्स आपको छोड़ देंगे, ये रहा इतना सा जो मैंने मार्क करा है, सिर्फ इतना सा। FII फुल फॉर्म काम का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। सर क्या फर्क है FDI में और FII में? FDI का मतलब होता है बाहर वाला इंडिया में आके फैक्ट्री खोलेगा, या बाहर वाला इंडिया वाले के साथ आके हाथ मिलाएगा और वो दोनों साथ में जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, उसको बोलते हैं FDI। FII क्या होता है सर? बाहर की कंट्री वाला या बाहर का आदमी इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उसको बोलते हैं FII। ऑब्वियसली दोनों ही इंडिया के लिए अच्छे अच्छी बातें हैं, बट FDI इज मोर फेवरेबल। सर वाई FDI इज मोर फेवरेबल? बिकॉज FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। या स्टॉक मार्केट में तो क्या है, मैंने आज पैसा डाला, भाव बढ़ा, मैंने बेच दिया, तो बाहर का पैसा इंडिया में आया तो सही, पर बहुत कम टाइम के लिए। FDI में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लोगों को नौकरियां मिलती है, बिकॉज अगर फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, वहाँ का एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो वैसे तो FDI FII दोनों ही अच्छा होता है, बट FDI इज मोर प्रेफरेबल। तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है FII का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं, ठीक है। लास्ट आ गया OFDI, जब इंडिया वाला बाहर जाके धंधा करता है, जैसे हमारा जो PVR है, PVR क्लास में 50% लोग जो देख रहे हैं लेक्चर, 60-70 लोग जो भी अभी ऑनलाइन है, उनमें 50% को नहीं पता होगा PVR का फुल फॉर्म क्या होता है। सब PVR में गए होंगे पर फुल फॉर्म शायद किसी को नहीं पता होगा। सर फुल फॉर्म क्या होता है PVR का? प्रिया विलेज रोड शो, प्रिया विलेज रोड शो। वेरी नोइंग दिस, पता था आपको ये? आई थिंक काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा प्रिया विलेज रोड शो। वेरी नोइंग दिस PVR? सर वो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? PVR ने इंडिया के बाहर जाके थिएटर्स ओपन कर रहे हैं, दैट इज वाई। गोविंद को नहीं पता था, ओके okay। अवधूत को भी नहीं पता था, कितना वियर्ड नेम साउंड करता है ना, प्रिया विलेज रोड शो। बहुत लोगों को नहीं पता था, माँ कसम, ठीक है। एनीवेज दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 5-4, जो मैंने पूरा खत्म कर दिया। कल मैं खत्म करूंगा 5-5 और 3 मैं कल खत्म करूंगा। आज का मोटा मोटी मेरे हिसाब से इतना बहुत है रे, बहुत पढ़ लिया अपन ने। ऑनेस्टली बताना समझ में आया सब कुछ? बहुत मेहनत करी, मेरा गला बैठ चुका है टू बी ऑनेस्ट, थका हुआ हूँ मैं, और ट्रैवल करके आ रहा हूँ जयपुर से, सुबह से घूम रहा हूँ, पर लेक्चर लिया मैंने, मुझे पोस्टपोन नहीं करना था। आर वी क्लियर? मज़ा आया? सब कुछ समझ में आया? प्लीज़ लेट मी नो। राहुल थोड़ा फोकस हो जाओ, कुछ प्रोकाश नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा फोकस हो जाओ। क्लियर है सर? दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मज़ा आ गया, और पढ़ाओ काइंडली। हाँ श्याम, और पढ़ाएंगे, रिदम सिंह राजपूत, कल लेक्चर होगा अपना, कल हम चैप्टर 5 चैप्टर 3 दोनों खत्म कर देंगे, पूरा पूरा चैप्टर 6 भी स्टार्ट कर देंगे। इट साउंड्स लाइक अ स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी। हाँ हाँ विशाल, कैन से सो। हाँ सर बताओ मुझे, आर वी क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? तो हम लेक्चर को एंड करें, एंड आपके वीडियो के लाइक करने का और कमेंट करने का मैं वेट करूँ, ठीक है? प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन एंड द लेक्चर, और हम आज का दिन समाप्त करें सर। होपफुली मज़ा आया, हमने 12-13 मार्क कवर कर लिए, बहुत ही कम टाइम में, नॉट इवन 3 आवर्स यार, 2.5 घंटा 2 घंटे 40 मिनट हुआ होगा, एंड हमने 12-13 मार्क शॉर्ट शॉर्ट पक्का वाला कवर कर लिया। मेरे को आपसे अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, विच इज आज का आज आप एक बार रिविजन करना, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, एक बार चैप्टर गो थ्रू करना चैप्टर नंबर 4, और आज का आज बुक के पीछे के MCQ कर लेना। देख मैं आपको MCQ करवाऊंगा, मैं आपको MCQ करवाऊंगा फॉर श्योर। व्हाट आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड इज कि आप एक बार आज चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करके सारे बुक के पीछे के MCQs खुद कर लेना, ठीक है? इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मजा अभी गयू, साई कामली बोल रहा है। राहुल बोलता है सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पागल?
ठीक है, लेक्चर को एंड करें, एक्सपेक्टिंग आज एमसीक्यू कर लोगे सर। पढ़ाई करते वक्त डिमोटिवेट जैसा फील होता है, विपिन सोनी जोर जोर से पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, पक्का। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ, लास्ट वापस रिपीट कर देता हूँ। आज आपको चैप्टर 3 नहीं बोल रहा, 4 रिवाइज कर लेना और 4 के क्वेश्चंस कर लेना बुक के पीछे वाले, और चैप्टर 3 से रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा अलग से, जो बुक में नहीं है, बुक के बाहर के हैं वो मैं करवाऊंगा आपसे, पर इतना सा आपको करना है। ठीक है, तो हम लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मज़ा आया, बहुत कुछ करो कर हमने 12-13 मार्क का इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वीडियो लाइक कर देना भाइयों बहनों, प्लीज़ अब तक लाइक नहीं करा तो, एंड डू कमेंट आफ्टर द लेक्चर एंड्स, प्लीज़ कमेंट करना वीडियो पे, मैं वेट करूँगा आपके सारे मैसेज और कमेंट, मैं कल पढ़ूंगा और सबके रिप्लाई और लाइक करूँगा। ठीक है, चलो बाय, मैं एंड कर रहा हूँ, गुड नाइट सबको, बाय 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 बाय। प्लीज़ एमसीक्यू कर लेना सर, प्रोक्रास्टिनेट हुआ है इसलिए मैं 90% सिलेबस बाकी है पूरा, क्या हो पाएगा मेरा, हार आउल हो जाएगा, थोड़ा सीरियस हो जाइए, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बी मोटिवेटेड हो जाएगा। चलो बाय, मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, और चैप्टर्स खत्म करते हैं, चलो बाय 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 बाय।